एक प्रश्न था, केवल दर्शन के बाद मोक्ष मार्ग के लायक साहब कर्म का बंधन क्यों होता है स्वामी जी? बताएं, रिपीट केवल कीजिए। दर्शन के बाद जी, केवल दर्शन के बाद मोक्ष लायक साहब कर्म का बंधन क्यों होता है? अज्ञान तो खत्म हो गया है। केवल ज्ञान के बाद नहीं, केवल दर्शन के बाद भी मोक्ष मार्ग के लायक साहब कर्म का बंध पड़ता है। नहीं, केवल ज्ञान के बाद मोक्ष आपने मार्ग के लायक लास्ट सहायक जी बंधन केवल होता है। मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग तो हमको अभी ही है। जहां तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है वहां तक जी चाहिए, यानी केवल दर्शन तक चाहिए। कब तक चाहिए? हाँ, केवल दर्शन तक, केवल दर्शन तक। दर्शन प्राप्त करने के बाद केवल ज्ञान का तो बीज पड़ता है, फिर लायक सहायक कर्मों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जी पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर समझ लीजिए, अगर किसी की आयु 50 वर्ष है और उसको 40 वर्ष की आयु में केवल दर्शन हो गया, तो जो उसकी 10 वर्ष की आयु बचती है उसमें फिर कैसा कर्म बंध होता है या कर्म बंध नहीं होता है, क्या होता है उसमें? होता है वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक ही होगा, और कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी जागृति तो वही रहेगी अच्छा, ना। हाँ, और कोई कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे केवल दर्शन हो गया तो अज्ञान तो खत्म हो गया, जी तो फिर संसार के लायक और सहायक कर्म का तो बात ही नहीं है, हाँ, बात ही नहीं है जी। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। तो वही जागृति में रहे कि बस मैं शुद्धात्मा हूं या कुदरती रत्ना, मगर वो उसको सहज रहेगा, अभी पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगा, सहज रहेगा। जी समझिए, आज एक स्वर्णिम सूत्र में एक और मेरा दूसरा प्रश्न है। आप जिस माइल पर खड़े हो उससे 1 माइल आगे का कुदरत आपको बताती है, इसमें थोड़ा बताइए समझिए, हाँ, इसमें क्या ऐसा? कुदरत का कानून ऐसा है कि हर व्यक्ति को जो जिस माइल पे खड़ा है उसके आगे का वो दिखाता है। 1 माइल तक जी हमारा जो भी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट वो हमारा माइलस्टोन हो गया, उसके आगे 1 माइल तक आगे बढ़ने का वो रास्ता दिखाता है, अगर आपको आगे आगे बढ़ना चाहते हैं तो। मगर वो रास्ता दिखाता है, हमको जी चलना न चलना वो हमारी बात है, मगर वो आगे का रास्ता दिखाएंगे तभी तो व्यक्तियों का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो जी स्वामी इसीलिए कुदरत का कानून है, हर जी, व्यक्ति को। काउंटर बोलिए क्वेश्चन मेरा। बोलिए। जी हाँ, स्वामी जी की अपनी जो ये लाइफ है ये टोटल डिस्चार्ज है, और जिनका हाई डेवलपमेंट है अगर उनका जीवन भी सामान्य संयोग वाला हो सकता है, और जिनका लो डेवलपमेंट है उनका जीवन भी टफ संयोग वाला हो सकता है, वो तो डिपेंड है कॉज कॉज इफेक्ट पे। हाँ, जिनका हाई डेवलपमेंट है वो क्या बताया, और लो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग मतलब आगे क्या हाँ, बताया, नहीं समझना। हाँ, जिनका हाई डेवलपमेंट है उनके जीवन में भी नॉर्मल संयोग हो सकता है, वो डिपेंड कॉज इफेक्ट के ऊपर है, जैसा कर्म बांधे उसी अनुसार उनका जीवन होगा, और जिनका लो ओके, डेवलपमेंट है उसका भी जीवन टफ से वाला हो सकता है, उसका जीवन कैसा हो सकता जिसका है? जिनका जिनका लो डेवलपमेंट है उसका जीवन भी टफ वाला हो सकता है, क्योंकि उसने अगर कुछ ऐसे बीज डाल दिए हैं जिसमें उसको टफ से उगा रहा है, बहुत परेशानी तब है की बात। या जीवन। ओके, समझ गया समझ गया। हाँ, तो नहीं, उसमें जी प्रश्न क्या है? वो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो स्वामी जी प्रश्न ये है कि आप जिस माइल पर खड़े हो उससे 1 माइल आगे का कुदरत आपको बताती है, तो मतलब अपन जनरली देखते हैं कि जो भी लोग होते हैं उनका जीवन तो सामान्य होता है, जो हाई डेवलपमेंट वाला हो या लो डेवलपमेंट वाला हो, इसमें मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, मतलब लाइफ स्टाइल तो सेम ही होती है। ये हम समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। देखो, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम सब ये डेवलपमेंट को हर व्यक्ति, उनकी सोच ऐसी नहीं है। साइंटिफिकली आपको सोच रखना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट एंड कर्म दोनों बात अलग है, वो पहले समझ लो। डेवलपमेंट का मतलब होता है दुनिया का सनातन सत्य समझना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। अगर डेवलपमेंट होते हुए भी लर्न करने का कर्म बांध सकते हैं,
देवलोक का कर्म बांट सकते हैं, वो मैंने बहुत बार कहा है। जी जी डेवलपमेंट को कर्म के साथ जोड़ो ही मत। हाँ जी, उसके कोई कोई कंसर्न नहीं है। हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति नरक गति में नहीं जा सकता है, लो डेवलपमेंट वाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं वो तो कर्म वो तो, अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है, आप समझो। जी, कोई जी. भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्म कोई भी डेवलपमेंट से बांध सकता है, मगर डेवलपमेंट का मतलब होता है उनको समझने की क्षमता, फिर इसको उपयोग क्या करना है वो तो उनकी ही मर्जी है। अगर छात्र वाला भी पैसा कमाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी कमाता है, पढ़ा लिखा है वो भी कमाता है, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाला है वो भी कमाता है, पीएचडी वाला भी कमाता है, और पीएचडी वाला बेकार भी होता है। तो उसी लिए पैसा कमाना और डिग्री वो दोनों कंसर्न नहीं है, मगर डिग्री का मतलब होता है कि आपका एजुकेशन तो यहाँ तक है, और पैसा कमाना वो दूसरी बात है। जी जी ऐसे यहाँ डेवलपमेंट वो आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है कि आप दुनिया को यथार्थ रूप से कौन से लेवल तक समझ सकते हैं, मगर इससे कर्म बांधने से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। जी 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 मैं समझ में आया। हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा सोच रहा था कि जिसका डेवलपमेंट हाई हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब कुदरत एक एक मैल आगे का दिखाती है, मतलब क्या दिखाती है मतलब, और उसमें आगे का दिखाना वो डेवलपमेंट के फॉर्म में दिखाती है, कॉज इफेक्ट के फॉर्म में नहीं। नहीं अच्छा अच्छा, यानी आगे को सोचने की जो क्षमता चाहिए वो उनको दिखाती है कि आगे ऐसा है, अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है, फिर अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है। अगर आपको नहीं करना है तो जहां है वहां तो है ही, उसके आप पीछे नहीं जाओगे। मगर हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति पाप और पुण्य के गलत कर्म नहीं बांट सकते, ऐसा तो सब्जेक्ट साइंस में है ही नहीं। जी जी हाँ समझिए, तो जी मैंने पहले भी बताया कि तीर्थंकर का अगला अवतार भी नरक गति में हो सकता है। जी समझिए, डेवलपमेंट और कर्म दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट की परिभाषा प्रत्येक साइंटिस्ट के विजन में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब है यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ एज पर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। आपको कर्म कौन सा बांधता है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि नरक गति का कर्म पदा तो आपका डेवलपमेंट लो हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों सब्जेक्ट अलग है। जी स्वामी जी, जय श्री हेमा बेन जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा डेवलपमेंट आप पे बात करिए ना, पर मारे पूछू तू ज्ञान ज्ञान हिंदी मा, हिंदी मा, अब हिंदी ने तो ओके बोलो, कोई बात नहीं। आई वांटेड या इंग्लिश आई जाए शायद, कोई बात नहीं, बोलो यार, आपको हिंदी आती है, गुजराती मा पूछना पड़ेगा, आती है पर ये तो कन्वर्टेड इन हिंदी, तो पछि रविवार बात करो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। अज्ञान अज्ञान की आपने जो बात की, गुजराती में इजीली मैंने फ्लोइंग पर से, तो जो डेवलपमेंट आपने की तो के सिद्धांत नो डेवलपमेंट छे राइट, अब ये डेवलपमेंट ना अदर तो कर्म बंधाय छे करेक्ट, अज्ञान तो छे साथ है अने ज्ञान है छे, अब जितलु हायर डेवलपमेंट ज्ञान नो होय अने इतलु ज हायर डेवलपमेंट नो अज्ञान पण होय, बराबर छे। હવે અજ્ઞાન હાયર ડેવલપમેન્ટ નું હોય એ કઈ પ્રકારનું હાયર, લોઅર પ્રકારનું ડેવલપમેન્ટ ઓછું થઈ ગયું હોય અને હાયર પ્રકારનું અજ્ઞાન કેવું હોય, જ્ઞાન તો સમજ્યા કે સિદ્ધાંતો સમજવાના છે, અને કર્મ કેવી રીતે એ બાંધી શકે, જો આટલું જ્ઞાન ને ડેવલપમેન્ટ હોય, પહેલા મને ક્વેશ્ચન થયેલો કે જો બાંધી શકે કાં તો ભય અને ભીક હોય તો એ બાંધી શકે, કાં તો એ સીધો એક જ્ઞાનનું જો સિદ્ધાંતો પકડી લે તો ક્યાંય અટવાય નહીં, પણ છતાંય સંજોગો એવા બાજી જાય તો પ્રોબેબલી મને તો લાગે છે ભીખ અને ભય હોય તો કદાચ એ એવા કર્મો બાંધી શકે, હવે આપ જવાબ આપો। તો સૌથી પહેલી વાત તો યે હે કે જૈસે આપને સ્કૂલ કા સ્ટાન્ડર્ડ પાસ કરી દિયા હે એજ્યુકેશન,
तो आगे जाके आपको कॉलेज में जाना है तो वह हायर स्टैंडर्ड का ही एजुकेशन है। अगर वहां गलती होगी तो आपको डिग्री भी हायर लेवल की नहीं मिलेगी, तो वो आपकी जो आप फेल हो गए वो भी हायर लेवल में फेल हो गए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपने ग्रेजुएट तक की डिग्री प्राप्त कर लिया है, आगे आपको मास्टर डिग्री का डेवलप तो एजुकेशन में आपको स्कूल कॉलेज पास करनी है तो आपको हायर लेवल का नॉलेज चाहिए। अगर वहां फेल होंगे तो हायर लेवल की डिग्री आपको फेल मिलेगी। कहने का मतलब है जैसे जैसे आगे जाएंगे ऐसे हायर लेवल का एजुकेशन पास करना है, ऐसे यहाँ हायर लेवल का अज्ञान को पास करना है। मगर जितने हायर लेवल पे अज्ञान को आप पास फेल होंगे इतना ही नीचे आप गिर सकते हो, बोथ साइड पे, रॉन्ग साइड पे या राइट साइड पे, तो दोनों साइड पे आप गिर सकते हो। हाई लेवल से जितना हाई लेवल इतना इतना डिस्टेंस भी गिरने का ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान आगे जाने का तो प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अज्ञान है वो अज्ञान मिट गया, वो लेवल तक आपका मिट गया। अगर आपने ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएट तक का आपका अज्ञान मिट गया, क्योंकि आपको डिग्री मिल गई, यू पास इन ग्रेजुएट, मगर अभी उसके आगे का अज्ञान है वो आपको पास करने का बाकी है। अगर आप मास्टर डिग्री हो गए तो फिर पीएचडी का अज्ञान अभी बाकी है तो वो भी पास करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये समझाने की बात है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो हायर लेवल का अज्ञान होता है, जितना पास किया वो लोअर लेवल था, जो भी बाकी है वो हायर लेवल का ही तो होगा। हायर लेवल नो अज्ञान बाकी है, हाँ हायर लेवल का ही तो अज्ञान बाकी है ना। हम बाल मंदिर से लेकर पीएचडी को देखेंगे तो जितना जितना स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके बाकी आगे का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हायर लेवल का, उसके आगे का हायर लेवल का, ऐसा ही तो रहेगा। अच्छा, तो सिद्धांत प्रमाण जे आपणे जेटलू ज्ञान नु डेवलपमेंट कर्यु, हवे एमा एक्जाम्पल आपो के हायर लेवल नु अज्ञान क्यूँ होय शके, कारण के डिग्री तो मळे तो 70% वाळा ने मळे छे, 60% वाळा ने मळे छे, એટલે અજ્ઞાન તો બાકી છે એનામાં, હજી સ્ટીલ ડિગ્રી તો મળે છે તો બહારના સ્થૂળ વ્યવહારમાં, પણ સ્ટીલ એનું હજી કઈ કમી છે, એટલે 60% ને 70% મળે છે, રાઈટ? એવું અહીંયા છે રિયલ વર્લ્ડ માં સિદ્ધાંત સાયન્ટિફિક રીત એટલે કઈ છે, અને અજ્ઞાન હાયર લેવલ નું કયું હોય એનો એક્ઝામ્પલ આપો। જી જી જી, જૈસે જૈસે હમ આધ્યાત્મ કે માર્ગ મે આગે આગે બઢતે હૈ વૈસે વૈસે હમારા ઉપયોગ કી સ્ટ્રેન્થ ભી બઢતી હૈ, ઓર ઉપયોગ કી સ્ટ્રેન્થ જબ બઢતી હૈ ઉસ સમય જો ગલતી હોતી હૈ ઉપયોગ કી ગલતી, વો ગલતી કી સ્ટ્રેન્થ લોઅર લેવલ સે બહોત હાઈ હોતી હૈ, लोअर लेवल से बहुत हाई होती है। उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे ऊपर से गिरोगे तो आपका कर्म का जो स्ट्रेंथ है, पाप और पुण्य दोनों का, वो दोनों का भारी हो जाएगा, दोनों भारी हो जाएगा, पुण्य भी भारी रहेगा या तो पाप भी भारी रहेगा, क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है। જાગૃતિ સૂક્ષ્મત અને સૂક્ષ્મતમ લેવલ ની હોવી જોઈએ, કારણ કે એટલું હાઈ લેવલ નું ડેવલપમેન્ટ એટલું સૂક્ષ્મત અને સૂક્ષ્મતમ માં ક્યાંય અજ્ઞાન હોવું જોઈએ કે જેથી એક પાપ કે કર્મ બાંધી શકે છે, અને એ માટે તો એને સિદ્ધાંત અને બીજું મારે પૂછવું હતું કે સિદ્ધાંત ડેવલપમેન્ટ હોય ને કર્મ તો બાંધી શકે છે, તો બિલીફ અને ડેવલપમેન્ટ ના આધારે તો કર્મ બંધાય છે એને? હા બરાબર હે, વો ઉસકે ઉપયોગ સે હી કર્મ બનતે હે, મતલબ સ્વામીજી ક્વેશ્ચન રિપીટ કરજો બધા ક્વેશ્ચન। ઓકે ઓકે, તો કહેને કા મતલબ યે હે કે ઉનકા જો હાઈ ડેવલપમેન્ટ હોતા હે उसके आधार से कर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो बराबर है, मगर हमने कहा है मिनिमम टू मैक्सिमम उसका जो डेवलपमेंट है उसका यूज करके वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो उपयोग करना वो उनकी बात है, मगर उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाई है वहां तक वो मैक्सिमम उपयोग अपने ज्ञान दर्शन का वो पुरुषार्थ के समय कर सकते हैं। मगर हायर लेवल का व्यक्ति
अगर पुरुषार्थ में गलती करता है तो उसकी कर्मों की स्ट्रेंथ पाप की या पुण्य की, दोनों की पावरफुल होती है। अगर पाप करेगा तो भी पावरफुल रहेगा और पुण्य करेगा तो भी पावरफुल रहेगा। आपने आप प्रश्न करोगे क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि जितना हायर डेवलपमेंट इतना ईगो भी पावरफुल होता है, वो मैंने बार बार बताया है। डेवलपमेंट ऑफ योर ईगो वो ही आपका डेवलपमेंट है, मगर वो ईगो क्या है दुनिया का सनातन सत्य जानता है। तो अज्ञान किसको कहते हैं, अभी बहुत सारा सनातन सत्य जानना बाकी है, वो बाकी है, वो उससे हायर लेवल का है तो वो अभी बाकी है। तो जितना आप हायर बढ़ोगे इतना ईगो भी आपका हायर बढ़ेगा, ईगो भी हायर बढ़ेगा, और वो हायर लेवल का ईगो अगर इसमें गलती होगी तो वहां से आप पाप और पुण्य से गिरोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना डेवलपमेंट होता है वो तो आपका सम्यक है, मगर जितना अज्ञान है वो अज्ञान अपने आप काम करता है और इसीलिए इंसान गिरता है। जिसमें पास हो गया है इसमें पास होने की जरूरत नहीं है उनको, मगर जो भाग में अभी पास नहीं हुआ है या एग्जाम दे रहा है वहां तो गिरने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए वो लेवल के कर्म बांधेंगे जिसमें पास नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे मेरा डिग्री डेवलपमेंट का लेवल 350 डिग्री का हो गया और मैक्सिमम 360 का है, तो 350 तो मेरा हो गया। अभी मेरा जो भी अज्ञान है वो 350 से ऊपर यानी 351 टू 360 का मेरे पास अज्ञान है, तो वो तो हाई लेवल का अज्ञान हो गया। अगर वो अज्ञान का मैंने यूज किया, क्योंकि अज्ञान है वही तो मैं यूज करूंगा ना, विज्ञान तो यूज नहीं करूंगा, तो अज्ञान यूज करूंगा, तो गिरने की संभावना पाप और पुण्य दोनों साइड पे है। अगर मैं उसमें पास हो गया तो मैं उसमें 350 से 351 352 में आगे भी बढ़ सकता हूं, और अगर मैं गलती करूंगा तो वही लेवल के अज्ञान के लेवल के मेरे कर्म बनेंगे, चाहे पाप के बने चाहे पुण्य के बने। अभी थोड़ा समझ में आया? समझ में तो आया, लेकिन लेट मी आस्क मी वन एक बजर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो छे कि हायर लेवल नु अज्ञान एक એવું હોય કે જે સમજવામાં તીર્થંકરની નીચેના પણ લેવલનાને કઠિન પડે છે, કે આ અજ્ઞાન છે અજ્ઞાન જ છે, કે કાં તો કર્મનો ઉદય એવો હોય જેને લીધે બંધાઈ જાય છે, કારણ કે અજ્ઞાન તો અનંત જન્મનો અભ્યાસ છે અને એનું કાઢવા માટે ઘણો પુરુષાર્થ, જેવી રીતે જ્ઞાન માટે ઘણો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે, સિદ્ધાંતોને ઉપયોગ કરવામાં, સમજવામાં તો ખબર પડે પણ ઉપયોગ ડેઇલી લાઈફમાં, એવી રીતે આ અજ્ઞાનને જે કર્મ બાંધવામાં તમને હેલ્પફુલ થાય છે તો એવું કયું અજ્ઞાન છે એનું એક્ઝામ્પલ આપો, જે હિસ્ટ્રીમાં પાછળના બની ગયા હોય જીવનમાં, એવું એક એક્ઝામ્પલ આપો તો બેસી, કારણ કે વ્યવહારનું તો આપણે સામાન્ય અમે સમજી શકીએ કે 5 વર્ષનો ને 25 વર્ષનો સેમ ભૂલ કરે તો 25 વર્ષનાને વધારે દંડ મળે એ સમજી, પણ આમાં સાધ્યાત્મિક લેવલમાં એવું કંઈક એક્ઝામ્પલ છે તમારી પાસે સોલિડ કે જે સમજી શકીએ કે એનું ક્વેશ્ચન પૂછવાનું જ ના રહે? नहीं नहीं, वो बराबर है, वो मैंने एग्जांपल दिया है, वो तो बहुत बार दिया है, कल भी दिया था परसों भी दिया था कि तीर्थंकर का अगला भव भी सातवीं नरक में हो सकता है, वो मैंने दिया ही है हायर लेवल का। वो कैसे anyway, वो कैसे वो कैसे बांधते हैं? हाँ हाँ, क्यों बांधते हैं, क्योंकि अज्ञान हाई लेवल का बाकी था रे, तभी तो कर्मचार किया था, अगर अज्ञान होता ही नहीं तो कर्मचार ही नहीं करते। એટલે એનું સૂક્ષ્મ મેરે પાસ 358 લેવલ કા જ્ઞાન હે, મગર 2% મેરા બાકી હે, 359 એન્ડ 60 બાકી હે, તો મારા અજ્ઞાન કા લેવલ 358 સે ઉપર કા હી હોગા ને, નીચે કા તો હોગા નહીં, નીચે કા તો મેને પાસ કર દિયા હે, તો અજાગૃતિ ને લીધે હશે એટલું। હા, તો સેમ પ્રોસેસ રહેગા, જો લેવલ કા અજ્ઞાન આપકે સ્ટોક મે હે ઉસી કા ઉપયોગ હોગા, और जो लेवल में पास हो गए वो आपका उपयोग पास होने में होगा, जिसमें अभी पास नहीं हुए तो उसमें फेल होने में होगा। फेल का मतलब होता है अज्ञान बढ़ाने के लिए, और जिसमें पास हो गया है इसमें आप संभाव में रहने के लिए पुरुषार्थ करोगे, तो विज्ञान का उपयोग डेवलपमेंट का उपयोग संभाव में रहने के लिए करोगे, और अज्ञान का उपयोग जो बाकी है इसका उपयोग नया कर्मों को चार करने में करोगे। मगर नया कर्म कौन से लेवल का बनेगा, जो लेवल का अज्ञान है वो लेवल का कर्म बनेगा,
और विज्ञान का उपयोग कितना करोगे, जीरो से लेके आपका डेवलपमेंट है वहां तक आप कर सकते हो। वन से लेके 358 का आपको विज्ञान का उपयोग करेगा तो संभव रहेगा, वितरकता रहेगी, मगर जो विज्ञान का उपयोग नहीं किया तो अज्ञान आपका 359 और 60 का लेवल का ही होगा और उसी लेवल का उपयोग करेंगे, उसी लेवल का कर्म बनेगा, चाहे पाप का बनेगा चाहे पुण्य का बनेगा। तो अहिया अज्ञानी डेफिनेशन मैंने समझाओ, अ हायर लेवल में अज्ञान એટલે કયો અજ્ઞાન રહ્યું? अज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य जो है वो हम अवस्था में एग्जैक्टली उपयोग नहीं कर सकते उस लेवल का, तब समझ में आएगा आपको कि अज्ञान का उपयोग क्या चीज है। ये अज्ञान जो है कोई नया अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो वही का वही है, मगर अज्ञान की जैसे हायर लेवल पे जाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हमको पहले अज्ञान कौन सा था कि ये कुदरती रचना समझने में हमको तकलीफ होती थी, शुद्धात्मा में तो स्थिर हो गए क्योंकि शुद्धात्मा में तो फिक्स है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, भाई मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार के अनंत सत्यों वाला हूँ, वो तो रहेगा आपको। मगर जो कुदरती रचना को देखना है वो कुदरती रचना को देखे, फिर उसके ऊपर आगे जाओगे तो कुदरती कानून से देखोगे, उसके ऊपर जाओगे तो छह तत्वों से देखोगे। तो जब छह तत्वों से देखने में गलती हो जाएगी तो वो उस लेवल का अज्ञान है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपकी ऐसी होगी कर्म की, और वहां से भी बोलिए છ તત્વ નું અજ્ઞાન જો, કારણ કે આટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું તો છ તત્વ માં તો ક્યાં એવું ખામી રહી જાય કે સમજવામાં, કારણ કે છ તત્વ તો સિક્સ એટર્નલ્સ આર ધેર, સોલ પોતાની સાથે છે, પોતે જ છે, એક તો જડ પરમાણુ અંદર છે એ લઈને જ આવેલો છે, હવે બીજા એવા તો ચાર્જિંગમાં તો પરમાણુઓમાં જ કઈક ગડબડ થઈ હોય ને, બીજાનું તો કશું લાગતું ઓળખતું નથી, કાળ કે ગતિ સહાયક સ્થિતિ સહાયક એ બધા। खामी छह तत्वों को समझने में नहीं है, खामी छह तत्व को उपयोग करने में है, अवस्था में उपयोग रहना चाहिए, उसमें खामी हो सकती है। जैसे आपको समझ में आ गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो आपको समझ में आ गया, मगर हर अवस्था में रहता नहीं है, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हमारा उपयोग नहीं है। तो खामी समझने में नहीं है, उपयोग में खामी होती है। मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया मेरा और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, वो आपको समझ में आ गया, मगर समझ में जो आया है वो हर समय उपयोग में नहीं रहता है, बस वही आपकी कमी है। तो समझ में नहीं आया वो नहीं, समझ में तो आ गया, उपयोग में नहीं आया वो कमी है। तो उस तो उपयोग आप जिम्मेदार उपयोग क्या उपयोग केम ना था, कारण के संसार या अमुक अवस्था में तुमने इंटरेस्ट हो, कारण के आत्मा आरोपी छे અને સંસારની અવસ્થાઓ બધી રૂપી છે, અને બીજું એક્ઝામ્પલ જી બોલો શ્રીમદ રાજચંદ્રજી ને ભી યહી કહા કે દેહાધ્યાસ અંત તક રહેગા, મગર લેવલ અલગ અલગ રહેગા। तो श्रीमद राजचंद्र ने भी यही कहा कि मैंने भी इतने बड़े महान ज्ञानी पुरुष अनुभवी पुरुष ने भी यही कहा कि मैंने भी जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्होंने जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त किया है वो अनुभूति का मैंने ध्यान किया मगर मैं फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फिर भी मेरे मन में मैं राजचंद्र हूं वो गया नहीं, यानी उस लेवल के व्यक्ति को भी देहाध्यास नहीं गया। ऐसा मतलब नहीं था कि उसके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, कुदरती कानून भी था, शुद्धात्मा भी था, मगर उपयोग में चूक हो गई, बस कोई गलती हो गई, तो वो रहा नहीं उनको उपयोग में। देहाध्यास जी
દેહાદ્યાસમાં પણ બહારનું સ્થૂળ ને અંદરનું પણ સૂક્ષ્મ મનના લેવલે વાણીના લેવલે એ દેહાદ્યાસ હશે અંતસ્કરણના લેવલ પર નહીં ઉપયોગ ઉપયોગ જ્ઞાન લેવલ પર મન વચન કાય ધ્યાન દર્શન જીસકો બોલતે ને ધ્યાન દર્શન તો ચિત્ત મે જો ઉપયોગ હોના ચાહીએ અવસ્થા કે અંદર વો લેવલ કા ઉપયોગ નહીં રહા और मैं राजचंद्र हूँ वो तो गया नहीं भले और कोई भले उनके अंदर वितरागता थी राजवेश नहीं थे समभाव था सब कुछ था मगर मैं राजचंद्र हूँ वो बिलीव में से नहीं गया उस लेवल पर भी जी आप समझे या सरस तो वो बिलीव ही तो अज्ञान है क्रिया अज्ञान नहीं है बिलीव अज्ञान है भाव भी अज्ञान नहीं है वो बिलीव का अज्ञान वो भाव में कन्वर्ट होती है अगर मेरे विजन में 1% बिलीव भी मैं प्रकृति हूं मैं प्रकृति को चलाने वाला हूं ऐसी बिलीव 1% भी नहीं है वही तो 100% वितरागता है मगर मैं मेरे मन में ये रहेगा कि पुरुषार्थ करने वाला तो मैं हूं ना मैं यानी शरीर तो फिर आप गिर जाओगे तो इसको देहाध्यास बोलते हैं तो देहाध्यास का अलग अलग लेवल होता है मन में जुड़ना जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है स्पीच में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है क्रिया में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है पांच इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है अगर कोई प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ के अंदर मैं पुरुषार्थ करता हूं यानी नामधारी पुरुषार्थ करता है ऐसा मानोगे वो भी देहाध्यास है देहाध्यास છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મે એમને સમજાઈ ગયું નહીં ભોગતા અને બીજું મારે પૂછ્યું તું કે જે ગીતામાં દુર્યોધન કે છે કે હું ધર્મ જાણું છું પણ પાળી શકતો નથી ને અધર્મ બી જાણું છું તેને છોડી શકતો નથી અને એક બાજુ અર્જુન ને પણ ગીતાનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે તો તમે કહ્યું છે કે પહેલેથી લઈને બીજ લઈને જ આવેલો ખાલી કર્મનો ઉદય બાકી હતો એટલે એને મોક્ષ થઈ ગયો પણ તો દુર્યોધન એટલે ત્યાં ઉપદેશ કરીને કામ લાગતો નથી પણ જેના જેવા કર્મ હોય એ આધારે થાય છે કારણ કે બહારનું તો સ્થૂળ ડિસ્ચાર્જ છે આખું રાઈટ દુર્યોધન કો જો જ્ઞાન થા અજ્ઞાન ક્યાં હે યાને ધર્મ ક્યાં હે અધર્મ ક્યાં હે દોનોં કા જો જ્ઞાન થા वो दोनों ज्ञान उनके लिए शुष्क ज्ञान था क्या था शुष्क ज्ञान इतले? इनका ईगो शुष्क का मतलब उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते शुष्क का मतलब ओनली द नॉलेज और इंफॉर्मेशन हार्टिली नहीं बिल्कुल नहीं शुष्क का मतलब होता है जैसे हमने कैंडल का पिक्चर बनाया है मगर प्रकाश नहीं आता है तो वो कैंडल ही है मगर प्रकाश ही देती है तो वो शुष्क पिक्चर है उसका कोई यूज नहीं है कोई ऐसे शुष्क ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होते हुए भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते वो शुष्क है वो श्रीमद राजचंद्र ने कहा है ने कि कोई क्रिया जड़ थी गया शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो शुष्क ज्ञान का मतलब होता है कोई शास्त्र ज्ञान के नॉलेज को ही ज्ञान मानता है नॉलेज वो ज्ञान नहीं है नॉलेज का एप्लीकेशन है इससे जो अनुभव होता है वो ज्ञान है यानी ज्ञान वो अनुभव का विषय है ज्ञान सिर्फ मेमोरी या नॉलेज का विषय नहीं है जी देहाध्यास छेवटे सूक्ष्म लेवल पर पण देहाध्यास छूटवो जोईए अनु हां वो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी का होता है ध्यान એસે ડિસ્ક્રાઇબ કરજો સમ અધર ટાઈમ કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ના કેટેગરી દેહાધ્યાસ ની કઈ હોય શકે અત્યારે બીજા બધાને ચાન્સ આપો ઓકે જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ સ્વામીજી જય સચિદાનંદ હા મેરા એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જબ ચાર્જિંગ કરતા હે જો જો ચાર્જ કરતા હે તબ ક્યા વો પાંચ તત્વ કામ કરતે હે वो हेल्प करता है या चार्ज इसके हेल्प से होता है पांच तत्वों के छह तत्व जो है रिपीट अगेन हां
चार्जिंग में जो प्रतिष्ठित आत्मा चार्जिंग में डिस्चार्ज में नहीं चार्जिंग में काम चार्जिंग जब होता है वो प्रोसेस होता है तब पांच तत्व उसमें रोल है कि नहीं है अपने भावना से पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से जुड़ जाता है और स्थूल रूप से उसका रिजल्ट आता है। हाँ तो पांच तत्व वहां चार्ज करने में वो भाव उसको कोट करने में सिर्फ वो कोट करने में ही हेल्प होता है या वो ग्रहण करने में या ज्ञान दर्शन फिट होने में भी पांच तत्व जो गति सहायक है स्थिति सहायक वहां भी काम करता है। हाँ, तो यहाँ आपके भाव की जिस प्रकार की तीव्रता होगी उसी प्रकार से उनकी लेंथ रहेगी आप समझे। तो लेंथ कहोगे और फिर बाद में जितना लेंथ रहेगा और इतना आपको स्पेस चाहिए इतने लंबे समय के लिए आपको स्पेस भी चाहिए भुगतान के लिए इतने लंबे समय के लिए आपको आयुष्य भी चाहिए इसके लंबे समय के लिए वो जड़ता भी चाहिए दोनों प्रकृति की। तो ये सब जड़ तत्व गति सहायक उसके सामने स्थिति सहायक उसके सामने समय तत्व उसके सामने स्पेस तत्व उसी प्रकार से कर्मों की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसके अंदर जुड़ जाता है कॉज के रूप में और जब इफेक्ट आएगी तो उसी प्रकार से उसकी लेंथ रहेगी उसका समय रहेगा उनका स्पेस रहेगा उनकी जड़ता रहेगी इतने समय के लिए आप समझे। मेरा एक कॉज बनने से पहले जो कॉज पढ़ने की प्रोसेस में होता है जो जो भी संजोग में वो भाव करता है वो भाव में भी ज्ञान ये पांच तत्व होता है कि वो कॉस बनने में ही होता है भाव करते हैं भाव करते उस समय पांचों तत्व इसमें मिल जाते हैं सब हो जाते हैं परमाणु के साथ आप समझो। जब जड़ परमाणु जो शुद्ध परमाणु सब होता है उनके साथ आपके भाव की स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक बाकी के तत्वों के भी क्या होते हैं परमाणु अंदर जुड़ जाते हैं और तभी उनकी लेंथ और स्ट्रेंथ सब बनती है। हाँ, यानी वो भाव शुद्ध परमाणु सक करने में भी वो गति सहायक हेल्प करता है। नहीं नहीं सक करना तो एक अलग बात है गति सहायक तत्व वो कर्मों की लेंथ की मैं बात करता हूँ। हाँ। गति सहायक तत्व तो आपने जो कहा सक करना वो तो कॉमन सभी कर्मों में आ गया वो गति सहायक तत्व की बात नहीं करता हूँ मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके कर्म का उदय एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपको यहाँ से विदेश जाना है तो वहां तक गति सहायक तत्व की आपको लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए वो उसमें जुड़ जाती है। हाँ। आप समझे। हाँ। समय आपको प्लेन में बैठा रहना है तो साथ में स्थिति सहायक भी चाहिए उसी के साथ आपको स्पेस भी चाहिए इतने लंबे समय तक वो एक ही कर्म की भुगतान के लिए इसके लिए आपको समय भी चाहिए लंबा अभी आप समझे। हाँ, मेरा ये प्रश्न इसलिए था स्वामी जी ये पांचों पांच तत्व उसमें जुड़ जाते हैं फिर जब रूपक में आते हैं तब मालूम होता है कि इतना लंबा समय चाहिए इतना लंबा गति सहायक तत्व चाहिए इतना लंबा स्थिति सहायक चाहिए इतने लंबे समय के लिए स्पेस चाहिए इतने लंबे समय के लिए जड़ तत्व चाहिए तो ये सब कुछ इसमें इनबिल्ट हो जाता है आप भाव करोगे तब। हाँ हाँ मेरा ये प्रश्न इसलिए पूछा स्वामी जी वो नरक लोक में और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित आत्मा वो चार्जिंग नहीं करता है वो क्यों चार्जिंग नहीं करता है? आपने बताया कि वो ऐसा बॉडी कुदरत उसको नहीं देती कि वो चार्जिंग करे यानी वहां प्रतिष्ठित आत्मा चार्जिंग करने के लिए वो गति सहायक या स्थिति सहायक वो काम नहीं करते इसलिए वो चार्ज नहीं करता कि वो बॉडी जो है क्या बॉडी के कारण चार्जिंग नहीं होता है तो क्या बॉडी का रोल क्या है चार्जिंग में। पहली बात ये है कि देवलोक और नरक लोक के अंदर जो आपको आयुष्य मिलता है वो सिर्फ कर्मों की भुगतान के आधार से बॉडी मिलता है और मैंने कल या परसों कहा था कि देवलोक और नरक लोक में
ट्रांजेक्शन वाइज सफरिंग नहीं है, वहां ग्रॉस सफरिंग है, या ह्यूमन लाइफ में ट्रांजेक्शन वाइज कॉज और इफेक्ट अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का कर्म की भुगतान होती है, वैसे वहां होता नहीं है, वो ग्रॉस है। भयंकर पाप किया है तो आपको भुगतान करना है, मगर वो पाप की भुगतान करते समय जो संजोग आते उनके साथ आपका हिसाब नहीं है। अभी आपको समझ में आता है कि नहीं? वो समझ में आता है स्वामी जी, लेकिन जन्म हुए तो देवलोकों के कर्मों दो लोग के साथ आपका कर्म नहीं है, आप समझो, तो वहाँ कर्म की भुगतान के लिए बॉडी मिलती है, ट्रांजेक्शन वाइज भुगतान नहीं है, ग्रॉस भुगतान है। अति विशिष्ट प्रकार का पुण्य तो देवलोक के, विशिष्ट प्रकार का पाप वो नरक लोक है, और यहाँ मनुष्य में ट्रांजेक्शन वाइज भुगतान है। मेरा इंडिविजुअल कर्म अभी एक इंद्रिय में से जो जीव आता है पांच इंद्रियों के मनुष्य होने तक, वहां भी उसका प्रतिष्ठित आत्मा का रोल नहीं होता है चार्ज करने का, क्योंकि वहां कर्म चार्ज करने की स्वतंत्रता नहीं है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं है, आप समझो, वहां डेवलपमेंट नहीं है। वहां है मनुष्य लोक में, पांचों इंद्रिय मनुष्य लोक में है, मगर वो डेवलपमेंट नहीं होने के नाते, उनके पास बुद्धि नहीं होने के नाते वो स्वतंत्रता से चार्ज नहीं कर सकते है। स्वामी जी और एक प्रश्न है, ये प्रतिष्ठित परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, हम ऐसे बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम आत्मा ही परमात्मा है तो वो ही सर्वशक्तिमान हो गया, वही इसके उसके ऊपर का शक्ति कोई ऐसा नहीं है रहेगा, अगर हम कुदरत की स्थूल भाषा में समझ जाओगे तो आपको सूक्ष्म भाषा मालूम हो जाएगी। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उनकी अवस्था है कि वो प्रधानमंत्री होगा, एक दिन वो चाय वाला था, तो आज इसको हम आत्मा कहेंगे, जब संपूर्ण निरावरण हो जाएगा तो इसको हम परमात्मा कहेंगे। हाँ, वही परमात्मा एक तत्व है, अब पांच तत्व और है ना, वो पांच तत्व आत्मा से, आत्मा को ही सर्वशक्तिमान है, तो वो उनको गति देने में या कुदरत की रचना में उनको कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, इसलिए पांच तत्व एक दूसरा तत्व एक दूसरे तत्व को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं, छह में से एक भी तत्व एक दूसरे का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर आपने कर्म चार्ज किया है तो भुगतान के लिए छह तत्वों की हाजिरी आवश्यक है, कंपलसरी है। अगर कर्म नहीं किया है तो फिर सभी तत्व मुक्त ही है। नहीं, हम एक ही भगवान है इसके कॉन्सेप्ट में ऐसे चलते हैं कि एक ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, एक ही है, यानी वो तत्वों के एक है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, मतलब सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है, अगर वो ही आत्मा का उसको संपूर्ण अनुभव हो जाता है यानी नीर आवरण हो जाता है तो वो ही आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं, मगर परमात्मा एक अलग है और आत्मा परमात्मा में जुड़ जाता है ऐसा है नहीं, सभी आत्मा का परमात्मा के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व है, मगर दो परमात्मा के बीच कोई भी प्रकार का डिफरेंस है नहीं। यानी हम पांच तत्व और छह आत्मा, ये पांच तत्व दुनिया में हम सर्वशक्तिमान बोलेंगे, बोल सकते हैं, पांच तत्वों में से छठा तत्व ही सर्वशक्तिमान है क्योंकि वो चेतन है, बाकी तो जड़ है, जड़ क्या करेगा, शक्ति होगी, अब डायमंड खुद क्या करेगा, गोल्ड क्या करेगा, सिल्वर क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनकी क्या वैल्यू है, कोई नहीं है, तो दुनिया वैल्यू कब होगी, एक ही तत्व वैल्यू समझने वाला होगा तभी वैल्यू होगी ना। हाँ, बिना ज्ञान वैल्यू कैसे करेंगे,
बिना ज्ञान वैल्य कैसे करेंगे, और ज्ञान गुण तो सिर्फ आत्मा में है, छह तत्वों में से, बाकी में तो ज्ञान गुण है नहीं। तो अगर आत्मा नहीं होगा तो डायमंड की, गोल्ड की, सिल्वर की वैल्यू कौन करेगा? तो वैल्यू अगर ज्ञान नहीं है तो वैल्यू है ही नहीं। हाँ, ये कुदरती रचना जो है, वो कुदरती कानून है, ये आत्मा की शक्ति से ही तो चलना चाहिए। वो कुदरत कानून करता है, कुदरत की ही रचना है, कुदरत का कानून है, तो आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा ना स्वामी जी? नहीं, आत्मा सर्वशक्तिमान है वो एक अलग बात है, और आत्मा की हाजिरी में जब आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा का निरावरण नहीं होता है, यानी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जहां तक अज्ञानी है वहां तक तो वो कर्म चार्ज करेगा, तो आत्मा तो आत्मा को तो शटल में बैठकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी हाजिरी में कर्म हुआ है तो उनकी हाजिरी में ही भुगतान होगा, उसमें उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मगर आत्मा कर्म कभी करता नहीं है और आत्मा कभी कर्मों की भुगतान करता नहीं है, आत्मा का कभी पुनर्जन्म होता नहीं है, आत्मा की हाजिरी में पुनर्जन्म है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा को जन्म मरण तो होता ही नहीं है। आत्मा में अज्ञान नहीं है, आत्मा न कर्म चार्ज करता है, आत्मा न कर्म डिस्चार्ज करता है, सब कुछ उनकी प्रेजेंस में होता है, तो उनमें है ऐसा तो प्रश्न है ही नहीं। तो कुदरत आत्मा के, कुदरत आत्मा के ऊपर नहीं है, कुदरती रचना या कुदरत ऊपर नहीं है, कुदरत प्रतिष्ठित आत्मा के अज्ञान के आधार से बने हुए कर्मों का कंट्रोलर वो कुदरत है, आत्मा का कंट्रोलर नहीं है, कर्मों का कंट्रोलर कुदरत है। सही बात, अज्ञानता से बना हुआ कर्मों का कंट्रोलर कुदरत है, और बॉडी तो कुदरत ने ही बनाई है, तो वो तो कुदरत का कंट्रोलर है ही, उसमें तो कोई बच्चा होना ही नहीं चाहिए। हाँ सुमित जी, जो बॉडी कुदरत ने बनाई है उसका तो कंट्रोलर कुदरत ही रहेगा ना। हाँ सही बात है, ठीक है। और आत्मा मुझे एक तो आत्मा एक ही है, ऐसे दूसरा वेदांत में सब है ना, एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे चिंता कर रही थी कि ये आत्मा ही होगा, एक ही कारण का दूसरा रिजल्ट होता है, आत्मा के कारण ही सब कुछ चलता है, और चलाने वाला शक्ति भी आत्मा का ही होगा, इसलिए वो कुदरत भी वो आत्मा के शक्ति से ही कंट्रोल होता है, इसका खुलासा करना था स्वामी जी। नहीं, मैं समझ गया। आत्मा और कुदरत मतलब बाकी के पांच तत्व से कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, सभी तत्व इंडिपेंडेंट है, कैसा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। हाँ। और छह से छह तत्व अविनाशी है। हाँ। यानी नाश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मगर छह में से जो पांच तत्व है वो अवस्था के रूप में दुनिया में सहायक होते हैं। हाँ। और आत्मा हमेशा हर अवस्था में कैटालिस्ट के रूप में सहायक होता है। हाँ। आप समझे। हाँ। तो आत्मा कभी अवस्था के रूप में नहीं होता है, कैटालिस्ट के रूप में होता है। हाँ। बाकी के पांच तत्व अवस्था में सहायक होता है, इसीलिए अवस्था में सहायक तत्व को हम टेम्पररी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पररी। जैसे मेरा आयुष्य कर्म 100 साल का है, तो मेरा आयुष्य 100 साल का है, तो मेरा समय कितना रहेगा? 100 साल का, ये बॉडी का तो समय तो परमानेंट है, मगर बॉडी का आयुष्य टेम्पररी के रूप में 100 साल हो गया। हाँ। तो वो आत्मा का आयुष्य नहीं है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर वन। नंबर दूसरा, आपने जो कहा कि भी एक ही ब्रह्म है और बाकी सब आत्मा है, तो ब्रह्म में, मूल ब्रह्म में जुड़ जाता है, उसका उत्तर तो मैंने पहले भी दिया था कि वेदांत में और आगम में थोड़ा डिफरेंस हो गया समझने में, हालांकि मूल पुरुषों ने ऐसा नहीं कहा था, मगर परंपरा में ऐसी गलती हो गई और ऐसा एग्जाम्पल भी दिया गया ताकि लोग फिर बाद में समझ नहीं पाए
उनका मर्म क्या है वो समझ नहीं पाए, सिर्फ अर्थ में पड़े पड़ गए और एग्जाम्पल को मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसीलिए हर आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है, मुक्ति भी स्वतंत्र है और अनुभूति भी स्वतंत्र है। अगर हम कहेंगे कि ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है या तो एक ही परमात्मा है, तो हम कहेंगे कोई भी दिन परमात्मा फिर पूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आत्मा संसार में है। तो मूल ब्रह्म कब कब पूर्ण होगा वो तो अपूर्ण ही कहलाएगा अगर एक ही है तो। समझ में आया? तो वो तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं, वो तो अपूर्ण ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे अंग पड़े हैं, अनंत काल से पड़े हैं। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है, हर आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा का खुद का स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। मुक्ति भी स्वतंत्र है और बंधन भी स्वतंत्र है। तो इसीलिए जहां तक अज्ञान है वहां तक बंधन भी है, और अज्ञान नहीं है तो मुक्ति की अनुभूति भी स्वतंत्र है। अगर मेरे पास अज्ञान है तो मेरे को अज्ञान की अनुभूति वो ही मेरे ही आत्मा की हाजिरी में होती है, और अगर मेरे पास अज्ञान नहीं है तो मुक्ति की भी अनुभूति मैं खुद ही करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सब आत्मा मुक्त हो गए, मैं ही मैंने मुक्ति की अनुभूति किया क्योंकि मेरा अज्ञान खलास हो गया, मगर बाकी सबका तो अज्ञान वही का वही रहा, तो उनको मुक्ति की अनुभूति नहीं होती है। नहीं, सही, ठीक है, समझ। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। यस, रायचंद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कर्मों की स्ट्रेंथ भाव की तीव्रता पे आधारित है। यस, भाव की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? भाव की तीव्रता वो किन किन बातों पर निर्भर करती है? आपके अज्ञान का लेवल जो है वो लेवल के आधार से, और आपका वो अज्ञान के उपयोग, ये दोनों के ऊपर आधारित है। अज्ञान का लेवल और वो अज्ञान का एप्लीकेशन, अच्छा, उसके आधार से आपका कर्म बनता है। जैसे आपका अज्ञान का लेवल आपका ज्ञान का लेवल 350 है, मतलब आपका अज्ञान 351 से 360 है। समझ में आया? तो आपका अज्ञान का लेवल 351 से ऊपर का है, उसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी उसी लेवल की रहेगी। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कर्म भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, पाप का बने या पुण्य का बने, दोनों में स्ट्रेंथ रहेगी। तो उसमें तो फिर ईगो भी आ जाएगा। ईगो तो कॉमन, ईगो तो रहेगा, ईगो तो 360 तक रहेगा। हाँ, चार्ज भाव और पुरुषार्थ का आधार एक ही है। प्रीवियस बर्थ का डेवलपमेंट, वर्तमान का ज्ञान और वर्तमान के संयोग, ये दोनों तीनों चीजें चार्ज करने में भी काम में आती हैं, इनकी जरूरत होती है, और पुरुषार्थ में भी यही तीनों चीजें चाहिए। हैं जी, मतलब तीनों चीजें, आप इसको चार्ज कहो या पुरुषार्थ कहो, दोनों एक ही बात है। चार्ज का मतलब होता है कर्मों का चार्ज करना, पुरुषार्थ का मतलब होता है आपके पास जो ज्ञान है वो डेवलपमेंट वाला ज्ञान, वर्तमान ज्ञान और वर्तमान संयोग, इसका उपयोग करना। तो पुरुषार्थ या चार्ज कहोगे, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ, वही मैंने कंफर्म करना था, दोनों एक ही चीज, क्योंकि मेरी समझ में एक ही चीज आ रहा था, एक ही है। तो दूसरे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा देहाध्यास यानी देह के आत्म, देह में आत्म बुद्धि से सहजिकता, फिर उसके बाद सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, सहज आत्म स्वरूप परम गुरु जो के श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया है,
उसका जो सहज आत्म स्वरूप है वो केवल दर्शन है? हाँ, बताओ मैं। हमारा अध्यात्म विज्ञान का पुसार वो देहाद्यास को खत्म करने के लिए है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि मेरे पास नहीं है तो हमारा पुसार पाप और पुण्य सेंटर पॉइंट रहेगा। आप समझे जी? अगर हमारा विजन आध्यात्मिक नहीं होगा, रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित रहेगा, तो हमारा पाप और पुण्य के ऊपर आधारित रहेगा। और हमारी दृष्टि अगर आध्यात्म रहेगी तो कैसे भी करके देहाद्यास को खत्म करना है। हमारे यहाँ पाप पुण्य सामायिक प्रतिक्रमण ये सब्जेक्ट क्रियाकांड ये सब्जेक्ट आध्यात्म में नहीं आता है क्योंकि देहाद्यास ही खत्म करना है। आप समझो? हाँ जी। तो देहाद्यास खत्म करना है तो फिर मैं कहूंगा कि आपको ये क्रिया करनी है तो देहाद्यास कैसे खत्म होगा? होगा नहीं, वो करता हो जाएगा फिर उसमें। हाँ, मैं आपको कहूंगा कि रोज आपको 5 बार त्रिमंत्र बोलना ही पड़ेगा और इसको पुरुषार्थ मानना ही पड़ेगा तो फिर आपका देहाद्यास खत्म होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, पुण्य बनेगा मगर देहाद्यास तो रहेगा। तो इसलिए आध्यात्म मार्ग है वो देहाद्यास को खत्म करने का सेंटर पॉइंट है। और आध्यात्म मार्ग के अलावा जो धार्मिक मार्ग है वो पाप और पुण्य के ऊपर आधारित है। चाहे वो आप पुण्य करो या पाप से बचो, उनके ऊपर आधारित होता है। तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया या क्रिया जुड़ी हुई होती है और इसीलिए अध्यात्म में से देहाध्यास ही खत्म करना है तो मन वचन काया और उनकी अवस्था वो अध्यात्म मार्ग में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। उनसे मुक्त रहना ये सब्जेक्ट। हाँ, मुक्त रहना वो सब्जेक्ट है। मन को सुधारना, भाषा को सुधारना, वर्तन को सुधारना ये सब्जेक्ट अध्यात्म मार्ग में नहीं होता है। आपकी प्रकृति कैसी भी है, अच्छी या बुरी है, मगर मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ और मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। फिर हमारी प्रकृति चोरी करती है या अच्छा व्यवहार करती है, मगर हमको कुदरत की रचना के रूप में ही देखना है, अच्छे बुरे के रूप में देखना नहीं है क्योंकि हमको देहाद्यास खत्म करना है। तो ये सब बातें एज अ साइंटिस्ट आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये आध्यात्म विज्ञान देहाद्यास खत्म करने के लिए है, कर्मों को सुधारने के लिए और पापों से बच के पुण्य के मार्ग में जाने के लिए, प्रकृति को सुधारने के लिए। ये मार्ग आध्यात्म मार्ग नहीं है, हमको तो प्रकृति से ही मुक्त रहना है, ये आध्यात्म मार्ग है। तो प्रकृति से मुक्त रहने का मतलब होता है देहाद्यास खत्म करो। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं मन नहीं हूं, मैं स्पीच नहीं हूं, मैं एक्शन नहीं हूं, और 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया है, उनका व्यवहार है, वो भी सब रिलेटिव सत्य है, वो सब कुदरती रचना है, उसमें भी मेरे को अच्छा बुरा के रूप में पढ़ना नहीं है। स्वामी जी, संसारिक सुख में कभी कभी इतना लग जाता है आदमी, और ये अंदर उसके मन में विचार भी आता है कि मैं इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, इनका मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर उसकी अनुभूति, सुख की अनुभूति में वो संलग्न रहता है, और दिमाग उसका ये कहता है कि मैं इससे मुक्त हूँ, मैं शुद्ध आत्मा में ही जो सुख है वो किसी में नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। बट ये जो है ना, प्रकृति का जो संरक्षण है, अपनी जो प्रकृति है उसका संरक्षण, तो ये इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। मतलब है हर हर दशा में बेशक दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मैं तो इससे मुक्त हूँ, मुझे मैं ये अवस्था है, अवस्था मात्र, कुदरती रचना है, सब कुछ मुझे ध्यान में आता है, लेकिन फिर भी अंदर जो है ये रहता है कि अंदर वो आनंद लेता है उस चीज का। तो ये दो जो द्वंद्व है अंदर अंदर में, एक तरफ तो वो मजे भी ले रहा है और दूसरी तरफ उससे मुक्त भी रहने की कोशिश कर रहा है वो, इस स्थिति में क्या मतलब है आप बताएंगे? हाँ, वही वही बताता हूँ मैं आपको कि देखो,
इसलिए तो इनको देहाध्यास बताया है ना, और देहाध्यास का मतलब है मोह है, मोह मेरा अस्तित्व देह के आधार से है, ये मोह लास्ट में जाता है। हम मोह को सुख दुख मानते हैं, ऐसा नहीं है। मोह का मतलब होता है शरीर के अस्तित्व को मेरा अस्तित्व मानना, वो सबसे बड़ा मोह है। आप समझे? फिर उसके साथ जुड़ोगे बहुत सारे अनेक प्रकार के मोह मान्यता के हो सकते हैं। तो मैं शरीर हूं और मेरा अस्तित्व शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर शरीर है तो मैं हूं, ऐसा जहां तक मैं मानता हूं वहां तक मेरे अंदर मोह है ही, भले वो राग द्वेष ना करे। तो उसको तो देहाध्यास बोलते हैं, मेरा अस्तित्व आत्मा ही है और शरीर जो है वो कुदरत का बनाया हुआ है, कुदरती उनको चलाती है और कुदरती उसको अंत लाती है। ये दृष्टि अगर मेरी 100% हो गई, इसको ही कहते हैं केवल दर्शन। हाँ हाँ, लेकिन बहुत अभी कठिन मार्ग है, मतलब है कि प्रैक्टिकली मतलब है थोड़ा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि अंदर ऐसा लगता है कि मैं जैसे अपने से दानतखोरी कर रहा हूँ, मतलब लगता है कि अंदर तो मुझे मजा भी आ रहा है और मैं ऊपर से ये भी कह रहा हूँ कि मैं इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। नहीं, उसमें क्या होता है बताओ मैं आपको, क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो प्रकृति की जो सोच है, डिस्चार्ज प्रकृति की जो सोच है और अनुभूति है, इसको चार्ज के साथ अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो डिस्चार्ज वाले कोई भी भाग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मगर डिस्चार्ज के साथ चार्ज वाला भाग भी जुड़ जाता है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब ये है कि कोई भी आप क्रिया के अंदर, तो अगर आप इस पे बाद में विचार नहीं करते बिल्कुल भी, जो कुछ हो गया सो हो गया, देन यू आर सेपरेट। अगर आप शिकायत करेंगे, हो गया का मतलब होता है जो कुछ भी हुआ वो तो प्रकृति में हुआ ना, प्रकृति में हुआ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं प्रकृति हूँ नहीं, तो फिर तकलीफ कहाँ है। हाँ, यही एक तरीका है इससे मुक्त रहने का। प्रकृति को फिजिकल भुगतान भी प्रकृति को हुआ और वो भुगतान का आनंद भी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को हुआ, मगर मैं मैं डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर क्या विजन है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया उसकी अवस्था तो कुदरती रचना है, तो उसमें उनको जो सुख हुआ वो सुख मेरा सुख तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो मेरा स्वभाव भी नहीं है और ना ही मेरी दृष्टि है। हाँ, तो मतलब इतना सोचने भर से आप मुक्त हो गए। हाँ, इसीलिए तो धीरे धीरे ये अभ्यास। हाँ, हम क्या समझते हैं, मैंने क्या कहा कि देहाध्यास का मतलब होता है देह से अलग होना, वो छोटी बात नहीं है। देहाध्यास शब्द बहुत बड़ी बात है, मन से अलग होना, वाणी से अलग होना, क्रिया से अलग होना, पांच इंद्रियों के अनुभव से अलग होना, और फिर लास्ट में देह के आधार का अस्तित्व से अलग होना, वो लास्ट देहाध्यास होता है। हम देह के अस्तित्व को ही नहीं मानेंगे क्योंकि वो है ही कुदरत का। हाँ, यही मुश्किल है बस। वो लास्ट में जाएगा, वो श्रीमद राजचंद्र को था ने। हाँ, तो आप बिल्कुल राजचंद्र बन नहीं रहे हो। हाँ हाँ, तो वो मैं शरीर के आधार से मुक्त हो जाऊं वो लास्ट में जाएगा, उससे पहले शरीर के साथ जुड़े मन वचन काया और पांच इंद्रियों की जो अवस्था होती है, इससे पहले धीरे 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 करके मुक्ति पाओ, और लास्ट में बॉडी का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व नहीं है, वो लास्ट में आएगा। बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, अभी तो हाँ प्रयत्न हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, परम गुरु इसमें आपकी प्रतिष्ठित आत्मा है, मतलब सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, तो इस वाक्य में जो परम गुरु है वो आपकी प्रतिष्ठित आत्मा, परम गुरु का मतलब परमात्मा, परम शब्द
मैंने बहुत बार कहा है परम हाँ, शब्द शाश्वत को लगता है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मतलब शुद्ध आत्मा के लिए परम गुरु का इस्तेमाल किया है। परम का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो बाहर दिखता है वो, मगर परम गुरु बताया मतलब जिसका अंत नहीं होता है वो परम गुरु है। वो परम गुरु मतलब तो वो परमात्मा ही है और कोई नहीं है, परमात्मा है और कोई नहीं है। ठीक है हाँ। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी, ये मैंने स्वर्णिम सूत्र में पढ़ा है, कुदरत का कायदा ऐसा है कि कोई इच्छा हो और वस्तु मिले, वह फिसल रहा है, अधोगति में जा रहा है, और इच्छा हो मगर वस्तु का ठिकाना ना पड़े, ठिकाना पड़े तब इच्छा ना हो, वह ऊर्ध्व गति में ले जाने वाला कहलाता है, वह अच्छा कहलाता है। तो इच्छा जो है, तो ये जो इच्छा है ये तो परिणाम स्वरूप ही है ना, पूरी उसका पूर्य होना या ना होना, तो ये प्रतिष्ठ मतलब अगर इसमें प्रतिष्ठित आत्मा नहीं जुड़ती है, अगर इसमें नहीं जुड़ती है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकृति का ही एक पार्ट है, उस तो उससे मुक्त ही अगर है तो वो भी तो ऊर्ध्वगति की ओर ले जाने वाला है। देखो बताओ मैं आपको, हाँ सिंपल बात ये है कि हमारी इच्छा है हाँ। और इच्छा की जब पूर्ति होती है तो गिरने की संभावना ज्यादा है क्योंकि और इच्छा तीव्र होती है, हमारी इच्छा है और बार संजोग भी मिलते हैं पूरी होती है तो और इच्छा हमारी तीव्र हो जाती है, समझ में आया। अच्छा। और जब हमारी इच्छा नहीं है फिर भी बार संजोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो हमको उद्भगति की ओर ले जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है ही नहीं, फिर हमको मिले या ना भी मिले। अच्छा तब इच्छा खत्म हो जाती है, जी हाँ समझ आया। तो ये तो कुदरती रचना को समझने के बाद ही ये बात पूरी तरह फिट बैठती है ये बात, तो क्योंकि इच्छा के साथ तो कभी कभी जुड़ भी जाते हैं कि कुदरती रचना समझ में नहीं आएगा वहां तक तो इच्छा रहेगी ही हाँ हाँ हाँ, तो इससे मुक्त रहने का है। कुदरती रचना नहीं समझोगे तो शरीर में हूँ और भुगतान पाप पुण्य का मैं कर रहा हूँ, यही तो मान्यता रहेगी। हाँ यही मान्यता रहेगी। जब आपको कुदरती रचना समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि मन वचन काया भी कुदरती रचना है और मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती रचना है, तो फिर इच्छा करने का सवाल ही नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी हाँ समझ आया जी स्वामी जी, समझ आया। अगर इच्छा की पूर्ति भी शरीर करता है और हाँ। इच्छा की पूर्ति शरीर भी करता है और संजोग करता है और दोनों कुदरती रचना है तो मेरे को इच्छा करने से क्या मतलब है, क्या फायदा है? हाँ हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ समझ आया मुझे, इच्छा करने से क्या फायदा, जब ये बात ही उसकी है प्रकृति की बात हो गई मतलब ये सारी। हाँ अच्छा अच्छा। और स्वामी जी एक प्रश्न और है कि जैसे जड़ तत्व है इसको प्रसव धर्मी बोलते हैं कि नाश को प्राप्त नहीं होता, फिर से रूप बदलता रहता है, तो अभी तो जैसे भी नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिरा था वहां पर तो सब कुछ नाश को प्राप्त हो गया था, और नाश को प्राप्त हो गया में सब खाली राख बची थी, पता नहीं क्या सब कुछ पिघल गया और वहां की धरती जो है अभी तक भी उपजाऊ नहीं है, जैसे वो तो वो किस तरह से दूसरा किस तरह से वो दोबारा किस तरह से वो यूज मतलब कैसे वो दूसरा रूप ले लेगा, क्योंकि वो तो नाश हो गया बिल्कुल, उसमें राख बचती है थोड़ी सी। हाँ आपको इतना तो मालूम है कि यार वर्ल्ड के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कंट्री जापान है। हाँ हाँ, वर्ल्ड की छोटी कंट्री है मगर वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हाँ, वहां है। हाँ, हाँ, वो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करती है। अच्छा टेक्नोलॉजी को करती है।
अच्छा ले वो ऐसी तरह के फील्ड में फेल हो गए, टेक्नोलॉजी में पावरफुल हो गए। हाँ हाँ टेक्नोलॉजी में पावरफुल हो गए। अच्छा बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके मुताबिक उसको काम करना पड़ता है। जैसे आप अरब कंट्री में जाओ तो वहां पानी नहीं है, तो वहां पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां अनाज वगैरह नहीं होता है, तो कुदरत ने वहां पेट्रोल दिया है ताकि उससे वो सर्वाइव रह सके, और जहां पेड़ पौधे होते वहां से वो इंपोर्ट करेंगे और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके अपना जीवन का गुजारा करेंगे। अच्छा। तो ये जो ये पंचतत्व महाभूत, अफ्रीका में जाओ तो क्या होता है, वहां टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वहां एजुकेशन भी इतना नहीं है, वहां बुद्धिशाली लोग भी इतने नहीं है परसेंटेज वाइज, तो वो क्या करेंगे भी, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, उसका डेवलपमेंट स्लो होगा, और बहुत जो भी बाहर से लोग उनको एड देंगे उससे उनका विकास होगा, और थोड़े बहुत लोग विदेश में जाके सेटल भी हो सकते हैं, मगर वो परसेंटेज वाइज आउट ऑफ 100% वो 5% भी होता नहीं है। हाँ समझ में आया। हाँ ऐसा है। हाँ जी हाँ जी। तो 2-3% बाहर जाएंगे मगर 98% तो वहां रहेंगे, मगर उसके पास ना एजुकेशन है, ना मेडिकल है, ना टेक्नोलॉजी है, फिर भी बाहर के जो विकसित देश है उनको एड देते हैं। हाँ। इनको चलाते हैं। अच्छा तो ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। अच्छा ऐसे ही चलती रही। अच्छा और ये जो पंच महाभूतों का शरीर है, जैसे आज देखा आ गया था शनि, मेरा नाम नहीं आ रहा, करा गुड से ये पंच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, पंच महाभूतों का ये जो शरीर है जो दिखता है सबका, चाहे वो पशु का भी हो, क्योंकि वो भी उसमें भी पांच वो ही तत्व ही हैं, तो ये जो जब इसको जला दिया जाता है मरने, जब इसमें से निकल जाता है चेतन तत्व, इसको जला दिया जाता है, जब ये निर्जीव हो जाता है, तो फिर ये किस तरह से, इसकी राख किस तरह से यूज में आती है? वो अक्सर सुनने में आता है कि पंच महाभूत में विलीन हो गए, तो इसका क्या अर्थ है, विलीन किसका अर्थ, मतलब क्या हुआ, वो राख किस तरह से यूज होती है? तो ये हमारा जो शरीर है वो पांच जड़ तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जी। और जब इस बॉडी को जब जला दिया जाता है तो जड़ रहता है राख के रूप में, उसमें से हवा निकल जाती है, पानी निकल जाता है। आप समझे? हाँ जी। हवा पानी निकल जाता है और उसमें आकाश है, वो आकाश नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश वो भी आकाश बॉडी था तब अंदर आकाश था, अभी बॉडी नहीं रही तो आकाश सब तो कॉमन हो गया है ना फिर। जी हाँ जी जी। तो वो भी निकल गया। हाँ। वायु भी निकल गया, पानी भी निकल गया, अग्नि तत्व जिससे हमारी बॉडी वायु लगती थी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, वो अग्नि तत्व भी निकल गया इसके अंदर से, सिर्फ पृथ्वी तत्व हमको दिखता है, बाकी के चार तत्व अपने आप निकल गए। तो इसीलिए पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर वो पंच महाभूतों में विलीन हो गया। अच्छा। उसमें से एक तत्व राख ही हमको दिखता है। हाँ। तो राख भी रिप्रोड्यूस हो जाती है किसी रूप में, राख का क्या यूज है फिर, उसको तो फेंक दिया जाता है, राख का क्या होता है फिर उसका? राख को फेंक दिया जाता है ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है हमारी हड्डियां जो बनी है, हमारी जो बॉडी बनी है बचपन से लेके आज तक, वो यही पानी पी के, यही हवा लेके और यही वनस्पति लेके बनी हुई है, और वही जब जला दिया जाएगा तो वो हड्डी धरती में मिल जाएगी, फिर वही धरती फिर उसमें से उगाएगी फिर। आप समझे कि नहीं समझे? अच्छा इस तरह ये साइकिल चलती रहेगी एंडलेस। अच्छा ये समझ आया, ये मतलब एंडलेस प्रोसेस ही चलता ही रहता है।
इसको रिसाइकलिंग, दुनिया रिसाइकलिंग के तो है, आपको साइंटिस्ट को करोगे तो मालूम होगा। और ज्ञानी भगवंतों ने भी, केवल ज्ञानियों ने भी यही बताया और साइंटिस्ट ने भी यही बताया कि इस दुनिया में कोई भी तत्व का प्लस या माइनस नहीं होता है, सिर्फ रूपांतर होता है। हाँ, रूपांतर चेंज हो रहा है, मतलब शेप चेंज हो रही है, ना बढ़ता है ना कम होता है, मगर अवस्था के रूप में रूपांतरित होता रहता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें इतनी मैं कहां से आ जाती है, अपने अस्तित्व का भान इतना दृढ़ कैसे हो जाता है? ये शुरू से बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा गहरा है ये तो। अच्छा, बुद्धि से होता है, बुद्धि, बुद्धि से। अच्छा, हमको जितना मैं होता है इतना मैं एनिमल को नहीं होता है। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, और हमारा मैं पावरफुल है तभी हमारा अहंकार भी पावरफुल है, उनका अहंकार भी पावरफुल नहीं है क्योंकि मैं भी पावरफुल नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं के नहीं होने से ही अहंकार भी पावरफुल नहीं रहता है फिर। हाँ, जितना मैं भाव उतना अहंकार भी नहीं। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो डेवलप नहीं है, हम डेवलप इसीलिए कहते हैं, हमारा अहंकार ज्यादा है तो डेवलपमेंट है। मार खाएंगे, रास्ता ढूंढेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर मार खाएंगे, फिर रास्ता ढूंढेंगे, फिर आगे जाएंगे, यही तो प्रगति का मार्ग है। हाँ, तो जो रिलेटिव का अहंकार होता है, इसका एक एग्जांपल देके स्वामी जी बताइए जरा, रिलेटिव का अहंकार किस तरह से निकलता है? ये रिलेटिव का अहंकार है, मगर वो अहंकार को डेवलप करते हैं इतना हमारा विजन ब्रॉड होता है, जितना विजन ब्रॉड होगा अहंकार अपग्रेड होगा, जितना विजन ब्रॉड होगा हमारा अहंकार अपग्रेड होगा, ऐसे ऐसे करके हम एक दिन ये दुनिया का रिलेटिव सत्य में से सनातन सत्य समझ सकेंगे। इंसान ही सनातन सत्य समझ सकता है, ये एनिमल सनातन सत्य नहीं समझ सकता है, उनका डेवलपमेंट ही नहीं है। नहीं है, ठीक ठीक है। हाँ, उनका डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है स्वामी जी, क्लियर हुआ। उनके पास पांच इंद्रिय है फिर भी डेवलपमेंट नहीं है, तो वो सनातन सत्य नहीं समझ सकता है, मगर रिलेटिव सत्य को अपने इंद्रियों के माध्यम से समझ सकता है। मगर इंसान ऐसा है कि अगर बुद्धि का अगर सही उपयोग करेंगे तो रिलेटिव सत्य के ऊपर सनातन सत्य भी समझ सकेंगे, तो ये सनातन सत्य समझ सकेंगे तो ये दुनिया से मुक्ति का रास्ता भी उनको मिल सकता है, नहीं तो रिलेटिव सत्य की दृष्टि वाले को मुक्ति का रास्ता कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्वामी जी, कुछ ये ऐसे जीव नजर में आते हैं जो मनुष्य में आने के बाद भोगने के लिए जाते हैं, अपना उस पशु योनि में जाते हैं भोग के लिए, खाली भोगने के लिए जो जाते हैं, तो उनको हमने ऐसे देखा है वो किसी मूर्ति के आगे आंसू निकल रहे हैं उनके, और वो बैठे हुए उस टाइम वो घंटी भी बजा रहे हैं वहां पर, इस तरह के मतलब कई एग्जांपल दिखने में आते हैं रिलेटिव में, तो ऐसा लगता है जैसे ये पिछले जन्म का इनका कुछ याद बाकी है, तो ऐसा तो नहीं होता, तो ये क्या सब ये वैसे ही है, ये किस तरह से दिखाई देता है? ये धर्म कोई भागवत हो रही है तो वहां जाके बैठ जाते हैं और ये सब कभी। हाँ, कोई पुण्यात्मा को भले ही वो अधोगति में गए हैं, एनिमल में गए हैं, उसको एनिमल में भी मनुष्य में जाने के बाद एनिमल में जाता है, तो कभी कभी कोई कोई जीव को जातीय स्मरण ज्ञान होता है जो उसका पिछला बर्थ इसको देता है, तो इसीलिए ऐसी बिहेवियर करता है। अच्छा अच्छा, यहाँ से जाती तभी उसको जाती स्मरण। अच्छा, उसको पिछले भव का दिखता है उसको अपना, इसलिए उसको होता है, तभी वो दिखाई देते हैं ऐसे। हाँ हाँ, ठीक स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, ओके। हाँ, कोई डेवलप जीव को एनिमल के एनिमल की योनि में पिछला भाव को देख सकता है। अच्छा, पशु योनि में, पशु में भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हाँ, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये इस प्रकार का हो जाता। अच्छा, सिर्फ बिहेवियर से पाप पुण्य नहीं है उनको, मतलब वो कोई रोल नहीं है उसका कि वो पाप पुण्य बन रहा है उसका, ऐसा ऐसा नहीं, खाली वो भोग के लिए गए बस वो, और उसको याद है थोड़ा है, तो इसलिए वहां जाकर बैठ जाते हैं वो। अच्छा, बैठ जाते हैं, वो
और वो भी इस प्रकार का उदय कर्म यहाँ से लेकर गया है। अच्छा, उदय कर्म में लेकर गया वो। वो अपनी स्वतंत्र मर्जी से वहां नहीं बैठ सकता है, वो भी उदय कर्म है, तभी कुदरत इनको संजोग देगी। अच्छा, उदय कर्म माना क्या, इसको बताइए थोड़ा सा। उदय कर्म में मतलब होता है कंपल्सरी विदाउट चॉइस। अच्छा, आपने जो कर्म किया है उसकी भुगतान करनी ही पड़ेगी, उसको कहते हैं उदय कर्म, उसमें आपकी पसंदगी होती नहीं है, इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी जी जी। तो उसको याद कैसे बनी रहती है? अच्छा, वो जातीय स्मरण ज्ञान की वजह से उनको याद रहता है। जातीय स्मरण ज्ञान की वजह से, मगर वो ऐसा नहीं कि जातीय स्मरण ज्ञान हुआ तो इनको उन्होंने पुरुषार्थ किया वहां जाके मंदिर में बैठने का। हाँ। या तो प्रवच पुस्तक के पास बैठने का पुरुषार्थ नहीं किया है, उसका उदय कर्म ही है। अच्छा, उससे के साथ उनको जातीय स्मरण ज्ञान भी हुआ है। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उन्होंने पुरुषार्थ करके वहां बैठा है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी, क्लियर हुआ, एकदम से क्लियर हुआ जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। विमला बी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा के दो सूत्र हैं, पहला सूत्र मैं पढ़ती हूँ। जिन जिन मुद्रा क्या कहती है, वीत रागों की पद्मासन मुद्रा, हाथ पर हाथ, हाथ पैरों की एक पर एक रखी हुई मुद्रा उपदेश देती है कि हे मनुष्यों, अगर समझदारी है तो समझ जाओ, आपका खाना पीना जरूरत की हर एक वस्तु आप लेकर ही आए हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ यह छोड़ो और मोक्ष का प्रयत्न करो। ये जिन मुद्रा जो बताइए ना स्वामी जी, ये जिन मुद्रा, हाथ पर हाथ रखे हुए, पांव पर पांव रखे हुए, पद्मासन, जिन मुद्रा का दूसरा नाम है वितराग मुद्रा। अच्छा अच्छा, तो उससे वो क्या कर सकती है हमें? हाँ स्वामी जी, वो क्या हमारे को फिर बताना चाहती है? यही कहती है कि अगर आपको मुक्ति पाना है तो इस मुद्रा का ध्यान करो कि हमको न हाथ से, न पांव से, न दिमाग से, न इंद्रियों से कुछ भी करना नहीं है। ये दर्शाता है अगर हमको मुक्ति पाना है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इससे पर्तापन हमारा खत्म। और अगर मन वचन काया कोई क्रिया करता है, जबान से कुछ आवाज निकलती है, मन कुछ विचार करते हैं, देह से कोई क्रिया करता है, फिर भी आपको यही ध्यान करना है कि आखिर ये सब प्रकृति और कर्मों का खेल है, ये न मैं हूं और न ही ये मेरा स्वरूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कर्ता भाव इसमें खत्म हो गया, कर्तापना खत्म हो गया, जो हमारे अंदर कर्तापन पड़ा है ना क्रिया का, कि मैं करता हूँ। अच्छा, कर्तापन मालिकीपन दोनों खत्म हो गए, मालिकीपन भी खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, इसका यही मतलब है स्वामी जी जिन मुद्रा का। और दूसरा सूत्र है स्वामी जी, दूसरा सूत्र पढ़ू, दूसरा सूत्र है। अच्छा, ये जिन मुद्रा का मतलब है, आप जो शरीर के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ बाहर ढूंढने का प्रयास करते हो वो सब व्यर्थ है, जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही है और वो आप खुद ही है, बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जिन मुद्रा का मैसेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए तो वीतरागों की मुद्रा बोला है। हाँ अच्छा अच्छा, और जो वैसे भी तो साधारण भी तो लोग पद्मासन लगा लेते हैं स्वामी जी, तो उनका भी यही भाव होता है वो ध्यान करने के लिए,
योग करते हैं तो वो ठीक है, एक प्रकार की कंसंट्रेशन में वो सहायक होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा दूसरा सूत्र है स्वामी जी, चार्ज हमेशा डिस्चार्ज की भजना करता है। चार्ज हमेशा डिस्चार्ज। हाँ जी, वो डिस्चार्ज की भजना का मतलब क्या हुआ स्वामी जी? चार्ज हमेशा डिस्चार्ज की भजना करता है, ऐसा आप तो सूत्र है। हाँ जी, दादा का आप सूत्र है। रिपीट कीजिए, चार्ज हमेशा डिस्चार्ज की भजना करता। हाँ जी है। हाँ, ये शब्द है, चार्ज सदैव डिस्चार्ज की भजना करता है, बस ये एक लाइन है ये स्वामी जी। वो कोई व्यवहार सत्य से बताया है कि चार्ज ही डिस्चार्ज में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट हो जाता है, तो भजना शब्द का उपयोग किया है। वैसे कोई भजना करनी नहीं होती, आपने चार्ज किया तो डिस्चार्ज तो कुदरत ही करेंगी जी, अपने आप होती रहती है। फिर वो भजना शब्द भले ही कोई दृष्टिकोण से लगाया होगा, कोई बात मतलब उसकी हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो चार्ज हुआ है वो डिस्चार्ज हो गया। चार्ज ही डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटो मोड से, उसमें कोई आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और स्वामी जी, जैसे अभी कमलेश बहन ने बोला ना कि पिछले जन्म का जो हमारा उदय कर्म होता है, जैसे बचपन से ही बहुत भक्ति भाव किसी का रहा हो, आंखों में आंसू भरे रहते हो भक्ति के लिए, भगवान का जहाँ नाम आया हो तो वहां उसके आंसू निकल जाना, तो ये क्या चीज थी स्वामी जी? ये तो उन्होंने व्यक्ति को नहीं बताया, ये तो एनिमल को बताया। नहीं नहीं, ये मैं अपना बता रही हूँ स्वामी जी, ये अपना बताती हूँ। दूसरा प्रश्न था, उन्होंने जो प्रश्न किया था वो एनिमल का किया था। अच्छा अच्छा, बचपन से मेरा स्वामी जी मतलब साथ में सांप जुड़ जाता है, कभी कोई बंदर जुड़ जाता है धार्मिक कथा में, तो ये क्या है, ये उनका प्रश्न था। अच्छा अच्छा, नहीं ये स्वामी जी मेरा प्रश्न अपने लिए है कि जैसे मुझे बचपन से ही था तो भक्ति भक्ति भाव करना बहुत छोटेपन से था, तपस्या ऐसे ही बच्चों की, बच्चे जैसे नकल कर लेते हैं, तपस्या में बैठ गई और आंसू बहाने लगे, भजन गाते गाते भजन आंसू निकलते रहे, फिर जैसे जैसे बड़े हुए, बाल्यावस्था खत्म हुई तो बड़े हुए तो फिर कथा कीर्तन में मंदिरों में मन लगने लगा, वहां जाके आंसू ही निकलते थे स्वामी जी, मांगना कुछ नहीं होता था, बस आंसू निकलते थे भगवान की मूर्ति के सामने, ये सब फिर क्या था स्वामी जी? कोई बात नहीं, वो तो वो हमारा एक प्रकार का जो वैराग्य भाव होता है, वैराग्य भाव होता है। हाँ जी, अच्छा, वो वैराग्य भाव से ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बाद में बोलने लगे नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जगत की सब वस्तुएं मुझे प्राप्त हो गई। हाँ जी, वैराग्य का भी बहुत प्रकार है, दुख गर्भित वैराग्य होता है, मोह गर्भित वैराग्य होता है, ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है, तो वैराग्य का बहुत सारा प्रकार। तो स्वामी जी, हमारा जो देहध्यास है ये कैसे छूटे? ये तो हर वक्त ही रहता है देहध्यास, मतलब शरीर से अपना मोह, देह से मोह जो है, तो वो तो तोड़ना ही पड़ेगा अगर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व वो हमारा अस्तित्व है ही नहीं। अगर शरीर का अस्तित्व हमारा अस्तित्व मानेंगे तो फिर उसको जला दिया जाएगा, तो हमारा अस्तित्व का एंड होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है हमारा अस्तित्व शरीर के अस्तित्व से संपूर्ण अलग है, बराबर है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, पर फिर भी वैराग्य तो नहीं है शरीर से स्वामी जी, इससे मोह तो बराबर बना हुआ है, ये ज्ञान भी हमेशा लगता है कि जला दिया जाएगा। मैं कर्मों की बात नहीं करता हूँ, कर्म जितना होगा इतना शरीर से आयुष्य कर्म के माध्यम से भुगतान करना ही पड़ेगा, उसमें मैं प्रश्न करना नहीं चाहता हूँ। नहीं स्वामी जी, इसकी ये बात नहीं है, मतलब देह से जो मेरा मोह है ना, मोह से हमारा मोह जो देह से लगा हुआ है ना, हर चीज का मतलब चाहना भी नहीं है, चाहिए भी फिर कुछ
तो सुख अच्छा भी लगता है और सुख फिर सुख में वैराग्य भी आ जाता है स्वामी जी। तो अभी देह ध्यास है ना, शरीर से मोह है ना। वो मैंने अगले प्रश्न के उत्तर में कहा ना, वो भाई साहब को भी कहा ना मैंने। हाँ स्वामी जी सुनना, अलग अलग लेवल होता है। आखिर हमको हर प्रकार के देहाध्यास को करने पड़ेगा और लास्ट में देहाध्यास के आधार से मेरा अस्तित्व है वो सोच को भी खत्म करना पड़ेगा। स्वामी जी यही तो चाहिए, यही चाहिए कि हमारा देहाध्यास से मतलब अस्तित्व खत्म हो जाए, बिल्कुल भान ही खत्म हो जाए। पर ये होता ही नहीं है स्वामी जी, ये वो धीरे धीरे होगा। पहले पहले आप स्थूल से अलग हो, फिर सूक्ष्म से अलग हो, इंद्रियों के ज्ञान से अलग हो, फिर देह के अस्तित्व से अलग हो। ऐसा स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम चमत्कार नहीं होता है। स्वामी जी काफी बहुत टाइम हो गया इससे अलग होने के लिए, बहुत टाइम हो गया है। इंद्रियों के सुख से भी अलग भाग होना चाहता है, इंद्रियों का सुख तो खींचता है ना स्वामी जी इस उम्र में भी आकर। कोई भी बात नहीं, मैंने कहा ना ये एक अवतार की बात नहीं है, ये अनंत अवतारों का ये अज्ञान चला आया है और चला आ रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए समय तो लगेगा, मगर वो जितनी आपकी जागृति ज्यादा है, जितना आपका देह के अंदर इंटरेस्ट कम है, जितना मोह कम है और जितना आत्मा के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, देह और देह की हर क्रिया को आप शून्य मानना और समझने के लिए तैयार हो और अपने आप को ही आप वैल्यू मानते हैं, तो धीरे धीरे आपका देहाध्यास खत्म होता जा रहेगा और यही एक प्रक्रिया बची हुई है। इसी चीज के लिए अभ्यास रहता है स्वामी जी, अभ्यास तो यही चीज का चलता है, देह से अलग होने का, इंद्रियों के सुख से अलग होने का। और कोई चीज मिल भी जाती है स्वामी जी इच्छा के अनुसार तो उसमें खुशी भी नहीं होती है बाद में, फिर जैसे मिलती है तो उसमें खुशी भी नहीं होती, महसूस करता कि नहीं ये सब मिला है तो सब ये भटकाने के लिए मिला है। स्वामी जी उसी टाइम ये आ जाता है ये सब भटकाने के लिए मिला है, तो फिर भी देखो स्वामी जी फिर भी रहता है मन में कि मिले और मिलता है तो अच्छा भी नहीं लगता फिर। तो ये स्वामी जी फिर क्या है, ये क्या बात है फिर, मतलब चाह भी रहती है कि सुख मिले। हाँ जी वही कहते हैं ना कि वो हमारा अभी जो ज्ञान और दर्शन है वो अर्धदग्ध है, मतलब अभी संसार में भी प्रीति रखता है और विज्ञान में भी प्रीति रखता है। कभी विज्ञान का बल होता है और कभी ये संसार की रिलेटिव सत्य का बल होता है। ऐसे करते 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 हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, बस इसके लिए बस आगे बढ़ते रहें स्वामी जी। हमें ज्ञानी पुरुषों का आपका आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि चाहिए स्वामी जी, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे आज जो बात हुई हाई लेवल के अज्ञान की स्वामी जी, तो उसमें ऐसे आया कि जो देहाधास होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं, आपने पहले भी कहा है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का हो जाता है उस वक्त, जीव का उतना हाई डेवलपमेंट होने के बाद में अगर वो देहाध्यास उसे होता है तो जो कर्म बंधन होता है वो भी, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत काफी होती है, जो जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके कंपेरिजन में। तो अज्ञान तो मेरे ख्याल से, ये आपने कहा कि बहुत सारे देहाध्यास होते हैं, मगर देहाध्यास मतलब ये मैं शरीर हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, यानी टोटली तभी वो आवरण ही आ जाता है, ऐसे कहा जाएगा ना स्वामी जी। हाँ, मतलब अज्ञान का मतलब आवरण है, मगर वो आवरण हाई लेवल का होता है। क्या होता है, जितना आपने पास किया इसके आगे का आवरण है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उसके आगे का आवरण है। अगर आपने
अगर आपने 6 स्टैंडर्ड को पास किया है तो 7 स्टैंडर्ड वो 1 टू 6 से ज्यादा पावरफुल है, यस और नो? हाँ बराबर है। आपने स्कूल को पास कर दिया है तो कॉलेज का लेवल ये स्कूल का लेवल जो 1 टू 12 का स्टैंडर्ड से हायर लेवल का है, यस और नो? हाँ हायर लेवल का है वो। ऐसे जितना भी हमने अज्ञान पास किया है बाकी का अज्ञान उससे हायर लेवल का ही होगा ना? हाँ वो होगा हायर लेवल का तो होगा ही स्वामी, मगर मेरा क्या कहना है हायर लेवल का होगा मगर क्योंकि उसमें आपने अभी कहा देहाध्यास के बेस पर होता है, ये आपने अभी भी कहा कि देहाध्यास के बहुत सारे है और देहाध्यास ही है स्वामी जी। अगर ऐसा 100% हो गया उसी को तो केवल दर्शन कहते हैं। हाँ तो वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने वो इसका एक जज का और इसका वकील का और एक सामान्य इसका ये दिया था बराबर है ना, उसे तो यही पता चलता है कि जैसे वो अज्ञान तो अज्ञान ही है मगर ये डेवलपमेंट होने के बाद में अगर वो अज्ञान होता है तो उसकी जो है जवाबदारी उसकी बढ़ जाती है के बराबर। और वो जो वो कर्म है वो लो लेवल का भी हो सकता है, मतलब कर्म मतलब कर्म जैसे बोलते अज्ञानता में जो हम कर्म बंधन करते हैं अज्ञानता ही है ना कर्म बंधन के लिए तो स्वामी जी। हाँ तो वो लो लेवल में ले जाए ऐसा हो सकता है, लो लेवल में ले जाए ऐसा हो सकता है। नहीं वो तो बराबर है हाँ, मगर वो अज्ञान भी तो ये रहता है ना क्योंकि देहाध्यास तो देहाध्यास ही है ना फाइनली, तो वो अज्ञान ही है ना स्वामी जी। वो अज्ञान ही है चाहे वो हायर लेवल का हो चाहे लोअर लेवल का हो, मगर हमारा डेवलपमेंट इतना हाई हो चुका है या इतना हाई हुआ है इसके लिए वो उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही बराबर है जैसे आपने जैसे वो रिलेटिव का जो एग्जांपल दिया था आपने कि ये भी है एक ही गुनाह करता है तीनों ने सेम मिस्टेक की है मगर जो जज है वो ज्यादा जवाबदार है उसको उसका ज्यादा फल मिलने वाला है, नेचर उसको ज्यादा पनिश करने वाले हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है सिंपल भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में समझना है तो जैसे हमको ग्राउंड फ्लोर से 10,000 स्टेप ऊपर जाना है ठीक है एंड 10,000 स्टेप वो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ हाइट है ठीक है। अगर हम 10 स्टेप ऊपर जीरो से हमने स्टार्ट किया और 10वें स्टेप से हम निगिर गए ठीक है तो वो 1 to 10 का उनकी हाइट रहेगी करेक्ट है। हाँ बराबर है। अगर हम 100वें स्टेप में से गिर गए तो फिर तो ज्यादा नुकसान होगा ना, और अगर हम 1,000वें स्टेप में से गिर गए तो उससे भी ज्यादा होगा ना। तो आगे जाना वो अपना डेवलपमेंट जरूर है मगर आगे जाके गिरना वो डेप्थ भी ज्यादा होगी वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर गिर गए तो अगर 1,000 से आप 1,001वें स्टेप में गए तो आपने प्रगति किया, 1,000 से 1,010 में गए तो भी प्रगति किया, 1,100 में गए तो भी प्रगति किया, 1,200 में भी 1,200 स्टेप में गए तो भी प्रगति किया, मगर गिर गया तो 1,200 हाइट में से आप गिरे हुए ये भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ समझना पड़ेगा पैरेलल है बराबर है स्वामी जी। जितना लो लेवल है तो गिरने का स्टेप भी लो लेवल का रहेगा। हाँ 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 सही बात है स्वामी जी। और ये बात समझ हाँ हाँ और दूसरा स्वामी जी ये भी है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है और ये प्रतिष्ठित आत्मा है आपने कहा है कि डेवलपमेंट अलग ही होता है एक डेवलपमेंट मतलब एक प्रकार की जो दृष्टि हमें जो मिली है अज्ञान का नाश करके वो है बराबर है वो डेवलपमेंट का यूज प्रतिष्ठित आत्मा करता है संजोग में जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो डेवलपमेंट का जो यूज करता है वो दृष्टि का उपयोग करता है वो
बराबर है स्वामी जी? हाँ, ये तो भी डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो ही ये प्रतिष्ठित आत्मा कैरी करता है उसके साथ में। ऐसे कह सकते हैं कि अभी आज ये बर्थ में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो अज्ञान का नाश कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा ही, मगर अभी हम इसका यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह सकते हैं ना कि वो प्रतिष्ठित आत्मा जो नेक्स्ट बर्थ में है वो कैरी फॉरवर्ड थोड़ा उस करता है ना, जो दृष्टि जितना हमारा अज्ञानता का नाश हुआ है अभी, वो तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा ना नेक्स्ट बर्थ का प्रतिष्ठित आत्मा। मैंने पहले भी कहा है सिद्धांत के रूप में कि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, नर गति में जाओगे तो भी नहीं होता है। बराबर है, मैंने कहा ही है, वो तो नहीं, आपने कहा है, आपने कहा, मगर हमें थोड़ा जानना है डिटेल में, इसके लिए समझ में नहीं आता इसलिए बार बार पूछते हैं स्वामी जी। बस यही कहना है कि आपने तो कहा है, आपने तो पूरा खुला कर दिया, मगर हम नहीं समझ पाते तो पूछना पड़ता है स्वामी जी। हाँ, तो ये है कि मतलब आज हम लोग जो ये दृष्टि का उपयोग करते हैं अज्ञान का नाश करने के लिए, बराबर है, उसमें इतना जितना हमारा शुद्ध रूप से हम करते हैं, वो हमारा जो है वो नेक्स्ट भव का जो प्रतिष्ठित आत्मा तैयार हो रहा है उसमें हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये बात सही है स्वामी जी? वही है ना? वही। हाँ, तो वो उसके साथ में कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट बर्थ का जो होगा वो वापिस जो भी अज्ञान रह गया है वो नेक्स्ट बर्थ में वापिस हम जितना ये करते जाएंगे वो उस नेक्स्ट की उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। बराबर है ना स्वामी जी? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अरे मने आ उदय करम आयो कहवाय, आ कैंसर आयु ये। हाँ, वो तो उदय करम ही है, तभी तो आया। हाँ, बिना उदय करम तो नहीं आता किसी को भी। हाँ, मैं मगर वो उदय करम शरीर को आया, उदय कर्म शरीर को आया है, आत्मा को या शुद्धात्मा को नहीं आया है। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा और रियल आत्मा अलग ही है। हाँ, और प्रकृति तो कुदरती रचना है, वो जो आया है प्रतिष्ठित आत्मा को देखने क्या है, और क्या कर रहा है वो भी हमको देखना है जी। तो प्रकृति तो वैसे भी कुदरती रचना है। हाँ, और वो डॉक्टर मुझे सब पूछता है तो मैं सब सच बता देती हूँ कि मैंने 20 साल तम्बाकू खाया था, फिर 4 साल से बंद कर दिया है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि 20 साल खाया तब नहीं आया, बंद कर दिया तब आया। मैंने कुछ मुझे क्या पता मालूम, वो शरीर है मेरा, मुझे क्या पता। वो तो मुझे सभी संजोग क्या होता है, सभी संजोग अपने टाइम ही उदय में आते हैं, हमारी मर्जी से नहीं आते हैं। हाँ, वो तो नहीं आता। आज हम चोरी करेंगे तो भी पुलिस नहीं पकड़ पाएंगे, मगर जब 10 साल के बाद हम जब पकड़ गए तब मालूम हुआ कि 10 साल पहले आपने यह चोरी किया था। अच्छा अच्छा, तो गुनाह की सजा तो अपने समय पे मिलती है, अपनी मर्जी से नहीं मिलती है, तो इसीलिए आज गुनाह किया उनकी फल आज ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, और अब हमको क्या है, मैंने तुम्हारे साथ पहले ऐसा ही सब प्रश्न किए थे कि मुझे वर्तमान में ही रहना है, फिर मुझे भय भीख नहीं चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, मुझे सब कुछ, ऐसा ही प्रश्न मैं तुमको पूछ रही थी और सब मुझे आया है, तो मुझे कुछ इतना भी दुख नहीं है, और तुम्हारा एक एक शब्द मुझे याद आ रहा है,
और तुम्हारी बुक है, मैं भी पढ़ती हूँ थोड़ी थोड़ी, अभी तो मैं बहुत बांट नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ सत्संग में। मैं हर हर सत्संग देखती हूँ, सोते सोते देखती हूँ। हॉस्पिटल में होती हूँ तब नहीं देख सकती, आज घर पे हूँ तो मैंने बात की। बराबर है। तो तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा मार्च महीने में ऑपरेशन करने वाला है, तब तक मुझे वो पीड़ा सहन करनी ही पड़ेगी। जरूरत मुझे आशीर्वाद तो मैं दूंगा, मगर इतना ध्यान रखो हर संयोग अपने सफल करने की शक्ति लेकर ही आता है। हमको तो वो संयोग को देखना है, क्योंकि अगर संयोगों के साथ सहन करने की शक्ति नहीं होती है तो इंसान जिंदा रह नहीं सकता है। मगर वो जिंदा रहता है, मतलब कुदरत ने उनको सहन करने की शक्ति भी दिया है। अच्छा, तो इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डर नहीं लगता। बस डर नहीं लगता, तुमको देख के सुन के डर निकल गया, भय भी निकल गई। कोई भी पूछता है तो मैं बोल देती हूँ ऐसा ही है, शर्म भी अच्छा, नहीं आती अच्छा। है बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बे वस्तु छे, एक तो मुझे अमुक जे बोलू छे साचू छे खोटू छे, सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ स्वामी जी वो सच है के गलत है, वो जरा मुझे बताइए, वो खाली आपको बताने का है स्वामी जी। स्वामी जी कल आपका बर्थडे है, उसको उसके लिए ये आप सब महात्मा की हाजिरी में आपको अभी ही जन्मदिन की लाखों लाखों बधाई देते हैं सब महात्मा। और उसके बारे में स्वामी जी थोड़ा लिखा हुआ है, 2-5 मिनट मैं पढ़ता हूँ, वो सही गलत है वो इसलिए मैंने आपको बताया ना। स्वामी जी तुम जियो हजारों साल, तुम जियो 50,000, तुम जियो भवो भव, ये है आरजू हमारी। तुम हो दादा के दुलारे, तुम हो दादा के सिलवंत आप तो पुत्र, तुम हो दादा के ज्ञान यज्ञ जग कल्याण को आगे बढ़ाने वाले। तुम जियो हजारों साल, आप हो एक अद्भुत मानव जो देते हैं अद्भुत शांति महात्मा को, वो अद्भुत शांति मिलती है उससे सनातन विज्ञान की समझ से। जहां दादा जहां होंगे ये ब्रह्मांड में भरपूर आशीर्वाद देते होंगे आपको, क्योंकि दादा के असली स्वप्न पूरा करने की ठान ली है आपने। सभी देवी देवता आपकी सहाय में रहे जैसे दादा के सहाय में रहते थे, बस हमारी दुआ यही है जियो ये अज्ञानमय संसार में, जब तक रहे अज्ञानी ये जग में। हमें वचन दियो ये सालगिरह पर आपके जैसे दूसरे स्वामी तैयार करोगे, जब आप भरत से विदाई लेंगे तब आपके विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो 50,000, तुम जियो भवो भव, ये है आरजू हमारे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद अभी बताने आइए अपना इसमें सही क्या है गलत क्या है। वो आपने भाव व्यक्त किया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है स्वामी जी। और स्वामी जी बस है, ठीक है, मेरा दूसरा कुछ खास प्रश्न नहीं है। एक स्वामी जी एक बात जनरल सबको बता दूं कि कल का जो सत्संग है वो सबके लिए होगा, और इसीलिए साइंटिस्ट के लिए नहीं होगा, जनरल होगा। उसमें साइंटिस्ट रहेंगे ही, मगर हमारा जनरल सत्संग रहेगा, हमारा पासवर्ड भी यही जनरल रहेगा, जो आज का है वही कल रहेगा। तो कल हमारा सत्संग ओनली फॉर साइंटिस्ट नहीं रहेगा, मगर जनरल रहेगा। तो इसीलिए जिसको भी जुड़ना चाहते हैं वो कल सब जुड़ सकेंगे,
टाइम तो यही रहेगा 4 to 6। और तो वैसे भी आपको मैंने भी किया था, शायद जो है ना वो लोगों ने ये कहना चाहते थे शायद सुधा बेन जी के, वो तो आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका एंगल शायद ऐसा लगता है, दूसरे महात्मा ने मुझे ऐसा पूछा था, आत्मा को भी कुदरत के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, वो कर्मों की और नियम के हिसाब से नहीं स्वामी जी, जो कुदरत है कि मान लो कि उसका 8 कर्म पूरा हो गया तो निश्चित तौर पे उसको मोक्ष में जाना पड़ेगा, वो आत्मा को वो निगोद में से, जब निगोद में जो भी वो व्यवहार रश्मि आते हैं तो स्वामी जी अपना वो कुदरत के नियम के हिसाब से आते हैं, तो ये मुझे लगता है ये एंगल वो एंगल से शायद उन लोगों का रहता है। वो दूसरा क्योंकि दूसरा महात्मा ने भी मुझे यही प्रश्न पूछा था कि अपना ये तो शक्तिशाली है आत्मा, तो वो कुदरत उसे शक्तिशाली कैसे हो गया, तो स्वामी जी मैंने ये जो बोला है वो सही है कि गलत है? मतलब आप किस एंगल से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन वो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। अगर आप आत्मा को कुदरती कानून के अंडर में रख दोगे तो फिर पुरुषार्थ शब्द फिर नहीं रहेगा। फिर कुदरत जब चाहेंगे तब आपको मुक्ति दिला सकती है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुदरत ये कहती है कि आपका ग्रोथ हम करते हैं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, फिर मनुष्य भाव में आके हम आपको बुद्धि देते हैं, अभी आप आपका ग्रोथ खुद कर सकते हैं, मगर जहां तक आपके अंदर अज्ञान रहेगा वहां तक हम आपको पनिश करते रहेंगे, मगर आपने अज्ञान को नष्ट कर दिया तब हमारा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा और आप मुक्तता की अनुभूति खुद ही कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, वो सब अपना सब बात है, सही है, लेकिन ये सब जो हुआ कर्मो अपना और इसीलिए कहेंगे कि आत्मा के ऊपर कुदरत का कंट्रोल है, ये नहीं, सिद्ध नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं है, सब कंट्रोल के हिसाब से बात नहीं, लेकिन अपना कुदरत का एक जो सिस्टम है, कुदरत का कानून की या नियम की बात नहीं, कुदरत का एक सिस्टम जो है वो मैं बात करता हूँ स्वामी जी, कि अपना कुदरत मान लो कि ये अपना 8 कर्म है तो फिर उसको मोक्ष में जाना है, ये अपना एक कुदरत का सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, अपना वो पुद्गल अपना जो भी है निगोद में से जो एक जीव जो है व्यवहार राशि में आता है वो भी अपना कोई ना कोई कुदरत के नियम के हिसाब से आता है स्वामी जी, सही है ना स्वामी जी? और अपना 8 कर्मों की जब भी वो भुगतान पूरी हो जाती है तभी वो अपना मोक्ष में जाना सके, उसको नहीं जाना हो तो भी वो मोक्ष में ही जाना पड़ेगा उसको, उनको कुदरत मौका देती है कि आपको एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तो हम आगे ले जाएंगे क्योंकि आपके पास फ्रीडम नहीं है, तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तो कुदरत हमको हेल्प करती है, और मनुष्य में पहली बार आऊंगा तो भी हमको कुदरत हेल्प करती है, मगर मनुष्य में आने के बाद जब हमको बुद्धि मिल जाती है उससे हमारी फ्रीडम शुरू हो जाती है, फिर हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको फ्रीडम मिली उसी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनबिल्ट हो गई, आप समझे? यस स्वामी जी। तो मुक्तता के साथ आपको जिम्मेदारी भी दी गई है, व्हेन यू मिसयूज योर फ्रीडम द नेचर विल पनिश यू, तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि फ्रीडम का मतलब आप आगे बढ़ोगे, फ्रीडम का मतलब होता है मुक्तता आप तो आपको दिया मगर मुक्तता का दुरुपयोग किया तो कुदरत आपको पनिश करेगी, और मुक्तता का सही या तो आप आपका डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इट इज अप टू यू आफ्टर ह्यूमन लाइफ। हाँ बराबर है स्वामी जी, और इसीलिए कोई भी बात को प्रेजेंट करने से पहले हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कि वैल्यू ऑफ द पुरुषार्थ इज ऑलवेज इन आवर विजन इन एनी एंगल।
कोई भी बात को सोचने से पहले अगर पुरुषार्थ शब्द का आपने गौ बना दिया तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसको पुरुषार्थ को कभी गौण नहीं करना है आफ्टर ह्यूमन लाइफ। और हम सब जो सुनने वाले सब ह्यूमन है तो उसमें पुरुषार्थ शब्द की वैल्यू होना चाहिए। इसको अगर आप गौण कर देंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, भी हमको तो कुछ करना नहीं है, कुदरत की मर्जी होंगे तो हम मोक्ष में जाएंगे। नहीं, स्वामी जी, वो तो अपना वो मेरे कहने का ये अपना मैं अलग एंगल से देख रहा था, क्योंकि ये अपना जो रह गया वो तो जब तक आपका पुरुषार्थ, जब तक आपका वो मोक्ष होता है तब तक आपका पुरुषार्थ की जरूरत है, वो तो सवाल ही नहीं है, एक्सेप्ट लास्ट बर्थ में। वहां जब तक अपना वो सेकंड लास्ट बर्थ तक तो आपको पुरुषार्थ करना ही है, वही अपना वो तो एकदम क्लियर है स्वामी जी, एकदम दिमाग में फिट बैठ गया आपको देख के, कैसा स्वामी जी इमीडिएटली याद आ जाता है, ऐसा है वहां पे भी अपना एक धीमी भाई अपना पुरुषार्थ तो सेकंड लास्ट बर्थ तक पुरुषार्थ करना ही है। ओके स्वामी, ओके खत्म हो गए। हां स्वामी, बस अभी प्रार्थना, ओके कल मिलेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कल का सत्संग का प्रोग्राम 4 से 6 रहेगा, जनरल सत्संग रहेगा, पासवर्ड भी यही रहेगा, और सभी महात्माओं को यही पासवर्ड से कल जुड़ना है, सब लोग जुड़ सकते हैं, कल जनरल सत्संग है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, मैसेज तो शायद आपको मिल जाएगा। स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी, अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा भगवान, आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मेरे दृष्टि स्वरूप जो भी गलतियाँ हो गई है वो सभी दोषों को आपके समक्ष हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, आप ऐसी कृपा करें कि आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।